नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आज राष्ट्रीय व्याख्यान माला के पांचवे दिवस में मैं आप सभी का ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन के माध्यम से आप सभी का स्वागत करते हैं, आप सभी का अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ सभी प्रतिभागीगण जुड़ रहे हैं क्रमशः। अजय सर, अभी आप रुकिएगा थोड़ा सा, मैं बताऊंगा आपको आपको कितने जुड़ना है। थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी तक मात्र 38 पार्टिसिपेंट्स ही जुड़ पाए हैं। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे। ओके सर। मित्रों, साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज इस राष्ट्रीय कार्यशाला का अंतिम दिवस है और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आज अंतिम विषय के माध्यम से जो हमारा केस स्टडी है, पाठ्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा बीएड के छात्रों के लिए, एमएड के छात्रों के लिए, और इसका काफी प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन जानकारी का अभाव के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे गलतफहमियां होंगी। प्रयास रहेगा कि आप इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से आप आज के इस विषय को सुनिएगा। तो आज हमारे मुख्य वक्ता के तौर पर में जुड़ेंगे प्रोफेसर डॉक्टर रमा शंकर पांडे। ये सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल, मध्य प्रदेश से सीधे जुड़ेंगे। और आज के इस अंतिम दिवस में हमारे लिए गौरव का विषय यह भी है कि हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर बंसीधर प्रसाद रुखैयार, रजिस्ट्रार ऑफ विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग भी जुड़ेंगे। उनका एड्रेस भी हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से होगा। तो एक गौरव का क्षण हमारे लिए, हमारे कॉलेज के लिए और सभी प्रतिभागियों के लिए भी। जैसा कि आप जानते हैं कि 23 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक कंटिन्यूअसली जो है हमने 6 दिन का कार्यक्रम रखा है। 23 को हमने नेशनल वेबिनार करवाया, जिसमें हमारे साथ जुड़े थे माननीय कुलपति डॉक्टर मुकुल देव नारायण, और नेशनल वेबिनार करवाया जिसमें हमारे साथ जुड़े थे, वो हमारे साथ प्रथम दिन जुड़े हुए थे नेशनल वेबिनार में, और दूसरे दिन जिस दिन हमारा राष्ट्रीय व्याख्यान माला का आयोजन प्रारंभ हुआ, तो द्वितीय दिन और राष्ट्रीय व्याख्यान माला के प्रथम दिवस में प्रतिकुलपति माननीय डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा जी विनोबा भावे विश्वविद्यालय से जुड़े थे। उनका भी एड्रेस हम लोगों ने सुना, देखा। और आज इस व्याख्यान माला के अंतिम दिवस पर हमारे साथ जुड़ेंगे माननीय कुल सचिव महोदय डॉक्टर बंसीधर प्रसाद रुखैयार जी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। हम लोग आज इनका भी एड्रेस सुनेंगे, इनका भी संबोधन सुनेंगे। हालांकि आज इनकी काफ़ी व्यस्तता है। व्यस्तता आज ये है कि आज इनकी एक मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग शायद राज्यपाल महोदया के साथ है, जैसा कि हमें ये जानकारी मिली है। और हमारे सहयोगी वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच चुके हैं, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। जैसे ही कार्यक्रम स्टार्ट होगा हम उनको आमंत्रित कर देंगे, और वो पहुंच चुके हैं और हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, अनौपचारिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो जब कार्यक्रम ये स्टार्ट होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम समय अनुसार कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, कोशिश रहेगी कि हम उनका समय ना लें, ज्यादा, क्योंकि आज उनकी व्यस्तता है, उनका एक महत्वपूर्ण मीटिंग है।
लेकिन फिर भी हमारे वो आज के मुख्य अतिथि हैं संरक्षक के तौर पर में, तो हम लोग जरूर उनसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप हमें संबोधित करें इस कार्यक्रम को। मित्रों, अभी तक हम लोग लगभग 60 के आसपास जुड़ चुके हैं। जैसा कि मैं सभी से आग्रह करता आया हूँ हर दिन, आप अपने स्तर से सभी मित्रों को, शोधार्थी यदि कोई है तो अपने मित्र मंडली को, अपने स्टूडेंट्स को, बहुत सारे महाविद्यालयों के, बहुत सारे कॉलेजों के सहायक प्रोफेसर भी जुड़े हुए हैं, मैं तमाम प्रतिभागी गणों से ये अनुरोध करूंगा कि आप आज के अंतिम दिवस पर सभी लोगों को आमंत्रित करें, उन्हें रिक्वेस्ट करें कि आज आप जुड़िए। और आज का जो विषय है वो काफी पुराना विषय तो नहीं है, बहुत नया भी नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग, इसकी जो जानकारी है वो हमें लेनी बहुत जरूरी है छात्र के माध्यम से। हमें जिज्ञासा जो हमारी रहती है इन सब विषयों में, वो जिज्ञासा, कोशिश होगी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी पूरी होगी। जैसा कि मैं पहले भी बताया है, ज्ञान की सीमाएं अनंत हैं, आप जानते होंगे इस विषय के बारे में, लेकिन जितने आप गहराई लगाएंगे समुद्र में, ज्ञान के समुद्र में, उतने गहरे गहराई में जाकर के आपको अच्छे अच्छे मोतियां भी मिलेंगे। तो आज पुनः आप इस विषय के साथ जुड़िए, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज अनुभवी वक्ता, काफी सालों का एक्सपीरियंस है उनका, वो आज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में आदरणीय हमारे छोटे भाई सौरभ शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ अजय गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। सुप्रभात, सुप्रभात सर। सौरभ जी कैसे हैं आप? सर मैं कुशल पूर्वक हूँ यहाँ पे, और बहुत शानदार सफर रहा है हमारा ये, और ये 5 दिवसीय व्याख्यान माला जो राष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों ने आयोजन किया, और हमारे महाविद्यालय ने पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, और इन 5 दिनों में हमने जो हमारे विभिन्न विभिन्न राज्यों के विद्वान जो रिसोर्स पर्सन थे उनके द्वारा हमने अपने प्रतिभागियों को, सभी को, और विभिन्न विषयों पे ज्ञान देने का और विचारों को उनको सुनने का एक मौका भी दिया। इन 5 दिनों में शुरुआत से, जैसा सर आपने भी बताया कि हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से शुरू किया था 23 तारीख से, और ये सफर आज हमारा जो 5 दिवसीय व्याख्यान माला का आज अंतिम दिवस है, इसके पहले दिन हमने डॉक्टर विजय कुमार शुक्ला सर को सुना एक्शन रिसर्च के विषय के बारे में, फिर हमने डॉक्टर कौशल किशोर सर को सुना रिफ्लेक्टिंग जर्नल के विषय के बारे में, फिर रिसर्च पैराडाइम्स के विषय के बारे में सुना डॉक्टर खगेन सर को, और कल एक रोचक विषय जो था हमारा स्किल्स ऑफ लीडरशिप, वो भी बहुत रोचक विषय था, और डॉक्टर दिनेश जी ने हरियाणा से जो हमसे जुड़े थे, सभी जो हमारे प्रतिभागी थे सर, बहुत इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है सबको, कल बहुत आनंद, बहुत बहुत जितने श्रोतागण थे सबने बहुत ध्यान से सुना, और आज भी हमारा जो विषय है, जैसा कि आपने बताया, हमारे बीएड का, एमएड का एक महत्वपूर्ण विषय है केस स्टडी, जिसको एक प्रशिक्षु को और अध्यापक को इस विषय के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है, और जैसा आप बता रहे हैं आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर रमा शंकर पांडे जी आज के विषय के हमारे मुख्य वक्ता हैं, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और हम सभी आशा करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार के यदि हम और भी किसी कार्यक्रम का आयोजन करेंगे तो सभी लोग हमारे साथ, पूरे देश के जितने भी प्रदेश, प्रांत, जो भी लोग हैं सभी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आशा करते हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम है, जैसा कि आपने बताया कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय विनोबा भावे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सर आज के हमारे मुख्य अतिथि होंगे, और हम लोग निश्चित तौर पे इस कार्यक्रम को आज समय से शुरू करेंगे। कुछ लगभग अभी तक हमारे साथ 74 प्रतिभागी जुड़ चुके हैं, और मैं उन सभी प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ
जो यूट्यूब लिंक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहते हैं और अपनी क्रिया प्रक्रियाएं, अपना फीडबैक हर एक तरह से देते रहते हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमें हमारे जो भी रिसोर्स पर्सन हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक बहुत अनुशासन के साथ सुनते रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं डिजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन झुमरी तलैया कोडरमा के द्वारा। सभी का आज 5 दिवसीय व्याख्यान माला के अंतिम दिवस पे सभी का डिजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बहुत बहुत स्वागत करता है। लगातार हमारे साथ प्रतिभागीगण जुड़ते जा रहे हैं। शीघ्र ही हम लोग इस कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम के अंत में हम सभी अटेंडेंस लिंक और आपके फीडबैक लिंक आपको दे देते हैं, और मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा जो भी प्रतिभागी किसी अपने कार्य को करते हैं या कहीं इधर उधर मूवमेंट करते हैं तो प्लीज़ वो अपने कैमरे को ऑफ कर दिया करें। मैं बार बार निवेदन करता हूँ प्रत्येक दिन, तो यही मेरा भी आज पुनः निवेदन होगा कि यदि वो कुछ अलग पोस्चर या अपने किसी कार्य में व्यस्त हैं तो वो सुनने के लिए वो रहें, लेकिन अपने कैमरे को कृपया करके ऑफ कर दिया करें। अजय सर आप लाइन पे हैं? जी सर। सुप्रभात सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कार्यालय पहुंच चुके हैं सर के, जो आज हमारे मुख्य जो अतिथि हैं उनके कार्यालय आप पहुंच चुके हैं। बस सर कुछ ही क्षण और हैं, हम लोग इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ करेंगे। कोशिश किया जाए सर जल्द से जल्द थोड़ा कार्यक्रम को शुरू किया जाए, क्या है कि सर बिल्कुल सर बिल्कुल मैं जैसा कि सर ने बताया है कि आज जो हमारे रजिस्ट्रार सर है बहुत व्यस्तता है सर के साथ आज, लेकिन हम लोग बहुत शीघ्र इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे सर। बस कुछ ही प्रतिभागी और जुड़ जाए, हम लोग इस कार्यक्रम को जल्द से जल्द शुरू करने का प्रयास करते हैं। आपको बताते हुए, सभी प्रतिभागियों को बताते हुए मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर रमाशंकर पांडे जी जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सर। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज जा रही? जी हाँ सर। हेलो, अच्छे से आवाज आ रही? जी हाँ। ओके, थैंक यू सो मच। और आप सभी प्रतिभागियों को ये बताते हुए भी काफी हर्ष हो रहा है कि हमारे साथ हमारे कॉलेज के सचिव महोदय डॉक्टर अविनाश सेठ सर भी जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय प्रिंसिपल मैडम भी जुड़ चुकी है, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। अभी तक हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से 85 लोग जुड़ चुके हैं, 85 पार्टिसिपेंट्स, और धीरे धीरे बढ़ रहा है ये आंकड़ा। जैसे ही आंकड़ा 100 के पार जाएगा हम इस कार्यक्रम को स्टार्ट कर देंगे। 10:30 से हम कोशिश करेंगे आज थोड़ा बिफोर कार्यक्रम शुरू करने का, क्योंकि आज जैसा कि मैंने आपको बताया सभी प्रतिभागियों को कि आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनकी व्यस्तता है, मीटिंग है उनके राज्यपाल महोदया के साथ, तो वो हमारे इस कार्यक्रम में थोड़ा बिफोर जुड़ेंगे, पहले ही जुड़ेंगे। मैं सभी प्रतिभागियों से निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द जुड़ें, जितने भी प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी प्रतिभागी अभी जो जुड़ चुके हैं सभी को इंटीमेट कर दें अपने स्तर से, उनको बता दें कि आज का ये कार्यक्रम थोड़ा पहले ही शुरू हो जाएगा, आप अपने स्तर से भी सबको कन्वे कर दें। और
और देखिए आंकड़ा कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, लगभग 95-96 हो गया है। बस 5 मिनट के बाद 10:30 में मैं कोशिश करूंगा कि आज ये कार्यक्रम 10:30 में स्टार्ट हो जाए। अजय सर, रजिस्ट्रार महोदय हमारे बैठ चुके हैं अपने चैम्बर में। जी सर। ओके सर। अजय सर, आपकी बात हुई है रजिस्ट्रार सर से? जी मैम, बात कर चुके हैं सर से। ठीक है सर, बोले हैं कि अभी बात, मतलब बोले थे सर लगा करके दीजिए, तो 10% तुरंत बात कर लीजिए। बस 10:25 हो रहा है सर, 10:30 में आप जो है चले जाएंगे, उनको दे दीजिएगा अपना सिस्टम और हम ये कार्यक्रम स्टार्ट कर देंगे। 10:25 अभी हो रहा है, बस 5 मिनट के बाद। आप तमाम जुड़े हुए प्रतिभागियों का आज राष्ट्रीय व्याख्यान माला कार्यक्रम नेशनल लेक्चर सीरीज के अंतिम दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आप जिस प्रकार से आप सभी प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है वो काफी काबिले तारीफ है और अच्छे अच्छे फीडबैक भी आए हैं। अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग के साथ इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है वो आज अंतिम पड़ाव पर आ चुका है और ये अंतिम पड़ाव पर ये कार्यक्रम आज अंतिम दिन में हमारे साथ जुड़ेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय कुल सचिव डॉक्टर बंसीधर प्रसाद रुपैयार जी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, और साथ ही साथ आज के मुख्य वक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर आर एस पांडे, पूर्व प्रोफेसर मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं जहां तक देख पा रहा हूं हमारे बहुत सारे मित्रगण जुड़े हुए हैं, कुछ प्राचार्य भी जुड़े हुए हैं, कुछ विभागाध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, शोधार्थियों की संख्या भी है और प्रशिक्षुओं की संख्या तो है ही। भारत के तमाम प्रांतों से लगभग अनेक प्रतिभागी अनेक प्रांतों से अपना पंजीकरण कराया है और वो आज भी जुड़ भी चुके हैं और देख लीजिए हमारा 100 का आंकड़ा पार कर चुका है और ये आंकड़ा क्रमशः बढ़ता ही जा रहा है और बस 2-3 मिनट के बाद हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। और यह कार्यक्रम जैसा कि आप जानते हैं आज थोड़ा सा पहले ही हम लोग शुरू करने वाले हैं क्योंकि आज हमारे मुख्य अतिथि की व्यस्तता है और इत्मीनान से धैर्यपूर्वक सभी प्रतिभागी इस कार्यक्रम को सुने क्योंकि यह कार्यक्रम और कार्यक्रम का जो विषय है वो आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है जिसकी चर्चा क्लासेस में होती है, जिसको अध्यापन के तौर पर में हमारे टीचर एजुकेटर के द्वारा पढ़ाया जाता है। बहुत सारी गलतफहमियां भी होती हैं, बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे मुख्य वक्ता केस स्टडी के बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे और कोशिश रहेगी जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो वो क्वेश्चन का आंसर भी देंगे आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्वेश्चन 2 तरीके से लेते हैं, एक चैट बॉक्स के माध्यम से, चाहे वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो, चाहे वो जूम ऐप के माध्यम से हो, और साथ ही साथ हम लोग ओरली जो जूम ऐप से जुड़े हुए रहते हैं हम लोग उनको भी लेते हैं। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आज अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। फीडबैक लिंक, अटेंडेंस लिंक, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत के दिनों से ही बता रहा हूं कि वो उसके लिए कोई हड़बड़ी नहीं है, कार्यक्रम के अंतिम 10 मिनट या 15 मिनट पहले हम ये शेयर करेंगे, आप अपनी उपस्थिति बनाए रखिए और इस कार्यक्रम को सुनिए, अपने ज्ञान में वृद्धि करिए, ये मेरी सभी से आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम आज अंतिम पड़ाव पर आ चुका है और इस अंतिम पड़ाव में हम सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जितने भी सभी सदस्य हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं कि हमने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया है और आज जिस मंच के माध्यम से हम लोग जुड़े हैं आज कोई तकनीकी समस्या ना आवे हम लोग ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग जुड़ते हैं
ये स्वाभाविक है क्योंकि इस पर हमारा कोई पकड़ नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए हम सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्य आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। कार्यक्रम चलता रहता है, कुछ न कुछ हो जाता है, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि मैं ये बार बार दोहरा रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म हमें कुछ न कुछ चीज़ों में हमारा जो फ्रीडम है उसको हमारे साथ नहीं रखता, वो अपने साथ ही रखता है। तो कोई बात नहीं है, आप सभी जानते हैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आज के युग में और आज के समय में, आज के वैश्विक महामारी के दौर में सभी इस बात को समझ चुके हैं कि कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जिस विकल्प के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं उस विकल्प में ये जायज है कि तकनीकी समस्या उत्पन्न हो जाए। तो हम अपना अपने शांतिपूर्वक अपना अपना धैर्य बनाए रखेंगे और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएंगे। अजय सर। यस सर। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत चाह रहा हूं कि करूं, क्योंकि 10:30 हो गया है। जी सर। आप सर से अनुमति ले लीजिए और उनको अपना सिस्टम प्रोवाइड करा दीजिए और उनको बता दीजिए कि सर अब ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। सर हम सर को दे रहे हैं सर। बस बस हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। मैम आपसे अनुमति चाहता हूँ कार्यक्रम शुरू करने के। क्या सर, जरा सर को बता दीजिए टॉपिक सर। हाँ, केस स्टडी है, प्रिपरेशन ऑफ ए केस स्टडी रिपोर्ट। रिपीट सर। रिपीट रिपीट। प्रिपरेशन ऑफ ए केस स्टडी रिपोर्ट। हाँ ठीक ठीक ओके सर। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं सर। यस, आपसे अनुमति चाहते हैं कि हम शुरुआत करें। यस यस जरूर शुरू कीजिए। ऑल माय गुड विशेस। जी, अब मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आइए, सबसे पहले हम लोग अपने विद्या की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती की वंदना करें, उनका स्मरण करें, उनको उनको श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं अपने तकनीकी सहायक नीरज जी से अनुरोध करूंगा कि वो सरस्वती वंदना प्ले कर दें। Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद नीरज जी, आपने बहुत अच्छा सरस्वती वंदना प्ले किया। आप सभी का इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय कुल सचिव डॉक्टर बंसीधर प्रसाद रुखैयार सर, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए हमारे कॉलेज के निदेशक अविनाश सेठ सर, प्रिंसिपल मैम, हमारे तमाम सहयोगी गण, मीडिया कर्मी और हमारे तमाम प्रतिभागी गण, साथ ही साथ हमारे आज के मुख्य वक्ता, मैं चंद्रशेखर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले माननीय कुल सचिव महोदय को हम चाहेंगे कि हमारी प्रिंसिपल मैडम के हमारे आज के जो निदेशक हमारे सर जुड़े हुए हैं अविनाश सेठ सर, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सर आप ई बुक एक हमारे आज के मुख्य अतिथि को प्रदान करें, माननीय कुल सचिव विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। धन्यवाद सर, आज के इस प्रोग्राम में आप आए और ये जो प्रोग्राम है लगभग 6 दिनों से कंटिन्यू चल रहा है, आज इसका समाप्ति की ओर ये प्रोग्राम है। पहले दिन इन लोग जो प्रोग्राम रखे थे, खास करके मैडम और सीएन झा का प्रयास थे, ये बहुत ही सफल प्रोग्राम रहा। फर्स्ट डे इसमें नए एजुकेशन पॉलिसी के बारे में एक चर्चा थी, दूसरे 5 दिन लेक्चर सीरीज इन लोगों ने आयोजित किया था और ये लास्ट 5वां दिन है। और इस दिन आपको इस प्रोग्राम में सर आपका स्वागत है और हमारा ये ई बुक आप स्वीकार करें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के मुख्य वक्ता को सम्मानित करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए मैं चाहूंगा प्रिंसिपल मैम उन्हें ई बुके देकर के सम्मानित करें। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर रमाशंकर पांडे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर रमा पांडे सर, आपका इस महाविद्यालय में बहुत बहुत स्वागत सर। ये इस ई बुके को सब प्रेम स्वीकार किया जाए सर, थैंक यू सो मच सर। एम आई ऑडिबल और नॉट? यस यस ऑडिबल मैम। सर ऑडिबल, सर को अनम्यूट करें। सर अनम्यूट हैं ऑलरेडी। सर आपको हमारी आवाज आ रही है? रमाशंकर पांडे सर, आपको, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए।
हेलो हाँ मैम आवाज हाँ सर सर जो सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए पांडे सर डॉक्टर आर एस पांडे सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए पांडे सर को हमारी आवाज आ रही है आवाज तो आपकी जा रही है आपकी आवाज जा रही है लेकिन वो अनम्यूट हो गए अनम्यूट हो गए हैं उनको अनम्यूट उनकी आवाज नहीं आ रही है सर हाँ वही वो उनको अपने से अनम्यूट करना पड़ेगा थोड़ा सा अच्छा आप से... इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए सर सर को जी 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 सर आपका बहुत बहुत जी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज के मुख्य वक्ता जो है हमारे उनका बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है अब मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन के लिए मैं चाहूंगा कि अपनी प्रिंसिपल मैम से अनुरोध करूंगा कि वो अपना स्वागत भाषण से हमें सभी को अनुग्रहित करें धन्यवाद झा सर हमारी आवाज स्पष्ट हो रही है जी आप सबों को बहुत बहुत सुप्रभात ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय राष्ट्रीय व्याख्यान माला के 5वें एवं अंतिम व्याख्यान में मुख्य अतिथि के तौर पर हम लोगों से जुड़े विनोद भावे यूनिवर्सिटी के विद्वान कुल सचिव प्रोफेसर बंसीधर रुखेरियार सर आज के वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर रामाशंकर पांडे सर एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल इस संस्थान के निदेशक द्वय आदरणीय मनीष कपसिमे एवं आदरणीय श्री अविनाश सेठ सर सभी सम्मानित प्रतिभागीगण जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्य संकायाध्यक्ष विभागाध्यक्ष शोधार्थी शिक्षार्थी एवं अन्य व्याख्यानमाला के आयोजन सचिव संयोजक समन्वयक आयोजन समिति के सदस्यगण प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े लोग मीडिया के प्रतिनिधि महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सबको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज व्याख्यान के अंतिम दिन के विद्वान प्रोफेसर पांडे सर द्वारा विषय केस स्टडी पर व्याख्यान प्रस्तुत किया जाएगा विगत 24 अगस्त से प्रारंभ हुए इस व्याख्यान श्रृंखला में पूर्व में 4 विद्वान वक्ताओं ने विभिन्न प्रकरण पर हमारा मार्गदर्शन किया है वर्तमान ज्ञान के युग में जहाँ ज्ञान के स्तर पर प्रतिस्पर्धा की होड़ है शिक्षक एवं शिक्षा जगत के लिए अपने आप को स्थापित करने एवं अपने कार्य को प्रभावी ढंग से संपादित करने की चुनौती है हम यहाँ पर 2 पीढ़ी के लोग जुड़े हुए हैं एक तो वर्तमान में जो शिक्षक हैं एवं दूसरे हमारे छात्र जो भविष्य के शिक्षक हैं कोठारी कमीशन की वह पंक्ति कि द डेस्टिनी ऑफ द नेशन इज शेप्ड इन क्लासरूम्स इस उक्ति ने शिक्षकों को उनके जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है तथा गौरवान्वित किया है आप मानव के निर्माता हैं इस पावन कार्य के लिए एक बेहतर शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से हमें एक कुशल एवं कौशल युक्त शिक्षक बनना है तथा राष्ट्र की समृद्धि में अपना योगदान देना है आज का विषय काफी प्रासंगिक है तथा पाठ्यक्रम पर आधारित है इस व्याख्यान श्रृंखला का संपूर्ण व्याख्यान पाठ्यक्रम केंद्रित था हमारा प्रयास था कि इन विषयों पर एक संवाद हो ज्ञान का आदान प्रदान हो तथा एक नए ज्ञान हो ताकि हम नवीन संप्रत्यय के साथ भविष्य में अपने कार्यों को बेहतर ढंग से कर सकें इस क्रम में मैं आज के मुख्य अतिथि विनोद भावे विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय की उपस्थिति से गौरवान्वित हूँ आपकी उपस्थिति हमारा मानवर्धन कर रही है आपके आशीर्वचन हमें ऊर्जा प्रदान करेंगे मैं आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ मैं अभिनंदन करती हूँ अपने विद्वान वक्ता एवं शिक्षाविद प्रोफेसर पांडे सर का जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला है सर आपका यह महाविद्यालय परिवार बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है मैं स्वागत करती हूँ इस संस्था के निदेशक द्वय आदरणीय श्री मनीष कपसिमे एवं श्री अविनाश सेठ सर का जिनका मार्गदर्शन और सहयोग पूरी टीम को हमेशा मिलता रहता है संस्था में शैक्षिक समृद्धि और नवाचार के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले निदेशक गण मुझे और मेरी पूरी टीम को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में ऐसे बहुत कम डायरेक्टर्स मिलेंगे जिनका फोकस हमेशा एकेडमिक ग्रोथ पर रहता है मैं और मेरी टीम के तमाम सदस्य
इस मामले में बहुत भाग्यशाली हैं, जो एक ऐसी संस्था में काम करते हैं जहां सकारात्मक सोच, रचनात्मक रवैया और अभिप्रेरित करने वाले निदेशक गण है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन सर। मैं स्वागत करती हूँ दूर दराज से जुड़े विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्य गण, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शोधार्थी एवं शिक्षार्थियों का, जो यह व्याख्यान श्रृंखला की शोभा है। धैर्यपूर्वक 5 दिनों तक वर्चुअल मोड में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि इस व्याख्यान माला से आप निश्चित तौर पर लाभान्वित हुए होंगे। आप सबों का संपूर्ण महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री सीएन झा, कन्वीनर मोहित जी, कोऑर्डिनेटर सौरभ जी का, एवं मैनेजिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर प्रेम प्रकाश वागीस जी, मृदुला जी, कृष्णा जी, मनीष जी, अजय जी, रजनी जी। चूंकि मैं स्वागत के लिए उपस्थित हुई हूँ, पर यहाँ पर आभार प्रकट करूंगी अपनी पूरी टीम का, विशेष तौर पर श्री सीएन झा का, जिनके सहयोग से पूरी टीम ने बहुत ही सुनियोजित ढंग से इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। टेक्निकल सपोर्ट के लिए नीरज, रोहित ने कड़ी मेहनत की है। पूरी टीम का पुनः आभार और बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े तमाम सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत। अंत में इस महाविद्यालय परिवार की ओर से इस वर्चुअल मोड में इस व्याख्यान माला के तमाम सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। ओवर टू झा सर, थैंक यू। धन्यवाद मैम, आपने आज के इस अंतिम दिवस के कार्यक्रम में आपका स्वागत उद्बोधन हम लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के मुख्य अतिथि और संरक्षक माननीय कुल सचिव डॉक्टर बंसीधर प्रसाद रुखैयार सर को आमंत्रित करता हूं कि सर आप अपना अध्यक्षीय भाषण आज हमें दें। आदरणीय बंसीधर सर। बहुत बहुत धन्यवाद झा जी। द प्रिंसिपल ऑफ ग्रिजली एजुकेशन कॉलेज डॉक्टर संजीता कुमारी, मनीष जी एंड अविनाश जी हु मैनेज द इंस्टीट्यूट सो वेल, झा जी द कन्वेनर ऑफ द प्रोग्राम एंड हिज एंटायर टीम एंड द एंटायर मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमिटी ऑफ ग्रिजली स्कूल हु ऑर्गेनाइज्ड दिस वर्चुअल वर्कशॉप फॉर 5 days and invited such an illustrious scholar, Dr. Ramanand Pandey, an eminent educationist, to speak on a case study and how to prepare it, preparing a report on a case study. I was delighted to know that the program opened with National Education Policy and you had a wonderful webinar, and our Honorable Vice Chancellor Professor Dr. Mukul Narayan Dev also addressed it. All of us who are connected with education or imparting the education need to know the nuances and subtleties of new education policy. So I again thank Dr. Sanjita Kumari and her entire team for organizing a webinar on new education policy, which is almost new because education policy after independence in India was introduced in 1968. Then again, new education policy came under Rajiv Gandhi in 1986 and it was updated in 1992. But it is afresh that in 2020, Dr. Kasturi Rangan and his team meticulously worked hard for a long time and they came up with a new education policy which is cultural friendly and oriented to the soil of the country. The next 4 days workshop and today's concluding lecture is related with the curriculum of B.Ed. And it greatly made me happy because it will benefit the students because all the lectures are related to their syllabus and they will emerge as a better teacher. Organizing such a program, virtual program, successfully really requires some technical skill. And I again thank
the entire team of Grizzly College for organizing such a successful workshop. On behalf of the entire university, I thank Grizzly College and all the participants, head of the departments, deans, research scholars, spread over different universities and different colleges across the country who have joined it. I again thank you very much. And I tender an apology to the management of the college because I could not join on the opening day of the webinar because I was awfully busy. And today I would have loved to listen to you, but I have to assist my Honorable Vice Chancellor because there is a conference with the Honorable Chancellor of the Universities of Jharkhand. So thank you very much and wish you good luck. Bahut bahut dhanyawad, sir. Ek Ajay ji, ek minute aur. Ajay ji, ek minute aur. Bas only yes, one minute. Ajha sir. Ji ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके उद्बोधन के लिए. अब मैं चाहूंगा कि चूंकि मनीष सर जुड़े हुए नहीं है, मैं अविनाश सर से ही निवेदन करूंगा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि को आज ई मेमेंटो प्रदान करें. ई मेमेंटो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. आज थैंक यू. आप कॉलेज की ओर से ई मेमेंटो स्वीकार करें सर. चलिए, थैंक यू मनीष जी और अविनाश जी. वेलकम. ओके, थैंक यू सो मच. आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुल सचिव विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग. बहुत व्यस्ततम समय में कुछ समय निकाले हमारे लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रत्येक दिन अपने कार्यक्रम की शुरुआत विषय की भूमिका से करते हैं और आज निसंदेह हम पुनः एक बार अपने अनुज मोहित कुमार तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के विषय के संदर्भ में अपनी बात को रखें. आदरणीय मोहित कुमार तिवारी. धन्यवाद झा सर. जूम ऐप और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी लोगों को सादर अभिवादन. ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन झुमरी तिलैया कोडरमा द्वारा शिक्षा के विभिन्न आयामों पर आयोजित ऑनलाइन 5 दिवसीय व्याख्यान माला के अंतिम दिवस पर आज हम सभी प्रिपरेशन ऑफ ए केस स्टडी रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विद्वान वक्ता डॉक्टर रमाशंकर पांडे के अनुभवी विचारों से ओतप्रोत होंगे. इस विषय के बारे में बताते हुए कहना चाहूंगा कि केस अध्ययन विधि का प्रयोग मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में आरंभ से ही किया जा रहा है. फलस्वरूप इन विषयों के शोध कार्यों में इसकी विशेष अहमियत मानी गई है. यह एक ऐसा उपागम है जिसमें किसी भी सामाजिक इकाई को पूर्ण रूपेण ढंग से देखा जाता है और गहनता के साथ अन्वेषण एवं विश्लेषण किया जाता है. केस स्टडी करने के लिए यदि अनुसंधानकर्ता प्रशिक्षित है, ध्यान दें कि यहाँ रिसर्चर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है. अगर वह ट्रेंड है, प्रशिक्षित है, तो इसके परिणामों की विश्वसनीयता तथा वैधता बढ़ जाती है. तो आइए आज हम सभी हाउ टू प्रिपेयर अ केस स्टडी रिपोर्ट को अपने विद्वान रिसोर्स पर डॉक्टर रमाशंकर पांडे जी से समझकर व्याख्यान माला के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में परिणति देने की ओर अग्रसर हों. धन्यवाद. ओवर टू झा सर. धन्यवाद मोहित सर. चलिए, हम आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और हमारे आज के कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता हैं उनका संक्षिप्त परिचय रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने अनुज डॉक्टर प्रोफेसर सौरभ शर्मा. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. सभी को सुप्रभात. इस 5 दिवसीय व्याख्यान माला के हमारे अंतिम दिवस जूम ऐप, यूट्यूब से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों, सभी प्राचार्यों, सभी शोधार्थियों का मैं बहुत बहुत ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ओर से स्वागत करता हूं. आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर रमाशंकर पांडे सर हमारे साथ उपस्थित हैं. सर का बहुत बहुत स्वागत है. सर, मैं बताना चाहूँगा सर के बारे में. सर सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं. सर MP भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश से हैं. सर के बारे में मैं आगे बताना चाहूँगा.
सर के द्वारा विभिन्न पुस्तकें और लेखों का प्रकाशन हुआ है। सर के पास शिक्षा के क्षेत्र का गहन अनुभव है और मैं प्रदर्शन में कई शोधार्थियों ने अपने कोर्स वर्क के कार्य को किया है और आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं सर के विचारों और संदेश को सुनने के लिए। और हम सभी लोग आज सर के विचारों और संदेश को सुन के निश्चित तौर पे अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। मैं सर का आज के 5 दिवसीय व्याख्यान माला में सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आपने हमारे आज के मुख्य वक्ता का परिचय कराया। मित्रों, सज्जनों, साथियों, मैं आपको बताते हुए मुझे आपको बताते हुए काफी हर्ष प्रतीत हो रहा है कि हमारे जो आज के वक्ता हैं वो हमारे गुरुदेव भी रह चुके हैं और इनका जो क्लास होता था मुझे याद है कि ये विषय की गंभीरता को इतने गंभीर तरीके से लेते थे कि कोई भी गलतफहमी हो, कोई भी डाउट्स हो, इतने सरल शब्दों में उसको व्याख्यान देते थे कि वो सब कुछ क्लियर हो जाता था। तो निश्चित रूप से आज के इस विषय को समझने के लिए, उसको जानने के लिए और उसके हर बिंदुओं को समझने के लिए आज हम पुनः एक बार अपने गुरुजी को सुनेंगे और आइए इनसे हम सभी लोग लाभ उठाएं और इत्मीनान से धैर्यपूर्वक हम लोग इनको सुने। तो मैं स्वागत एक बार पुनः सर आपका करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच। ये मंच सर आपको मैं दे रहा हूँ। हेलो, मेरी आवाज जा रही? जी जी जी। ओके, थैंक यू थैंक यू। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम सम्मानी विश्वविद्यालय के माननीय कुल सचिव जी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, विश्वविद्यालय के डायरेक्टर द्वय माननीय मनीष काबसे और अविनाश सेठ साहब, माननीय प्रिंसिपल संजीता कुमारी, डॉक्टर संजीता कुमारी, और इस कार्यक्रम को कर रहे कन्वेनर प्रोफेसर सी एन झा एंड मनीष जी एवं अन्य समस्त विभिन्न देश के अंचलों से सुन रहे महाविद्यालय के प्राचार्यगण, विभागाध्यक्ष एवं समस्त विद्वान सहभागी भाइयों एवं बहनों। हेलो हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, थैंक यू सो। अब हम लोग एक जो मुख्य विषय आज के चर्चा का है, प्रिपरेशन ऑफ अ केस स्टडी रिपोर्ट, केस स्टडी के बारे में चर्चा करेंगे। सभी को पुनः नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, सत श्री अकाल। सब लोग जहाँ भी हैं एंजॉय करें और जो भी होगा रिएक्शन आपसे चर्चा करेंगे, समझें। साथियों, शिक्षा का अभिप्राय ही है कि मानव का सर्वांगीण विकास। हम विद्यालय से शुरू करते हैं तो विद्यालय में कहते हैं बच्चे का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का अर्थ है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। जैसे गांधी जी ने भी कहा है, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइविंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड बॉडी माइंड एंड सोल। और इसके विकास के लिए ये आवश्यक है कि हम शिक्षा के उन पहलुओं को जहाँ पर भी जो भी कमियाँ हमको देखने में मिलें उसमें हम क्रमशः सुधार करते जाएं और अच्छाइयों को हम ग्रहण करते जाएं और आगे की ओर बढ़ते जाएं। क्योंकि हमारा देश विकासशील होने के साथ साथ विकसित होने की स्थिति में आ रहा, तो जब हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, उनमें कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी, उनमें कौशल का विकास होगा, तो हमारे देश का उत्थान उसी अनुपात में होगा और हमारी प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो सकेगी। जिस देश के जैसे ही नागरिक शिक्षित और जो सुसंस्कारिक होंगे उस देश का उसी प्रकार से विकास भी होता जाएगा।
अनुसंधान वास्तव में नवीन ज्ञान की खोज है, नॉलेज फॉर नॉलेज। किसी भी प्रकार का जो कुछ भी हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं या आज तक करते आए हैं या आगे करने के लिए सोच रहे हैं, किसी न किसी प्रकार के अनुसंधान की ही देन है। अनुसंधान वास्तव में सुनियोजित और सुनियंत्रित ढंग से किया गया कार्य होता है। इसलिए जो भी हम काम नियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से करते हैं वह अनुसंधान की श्रेणी में आ गया। इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि जो हम प्रतिदिन काम कर रहे हैं उससे हमको शिक्षा नहीं मिलती। डे टू डे लाइफ में मनुष्य जो भी काम कर रहा है वो उसमें समस्याएं आ रही हैं, उन्हीं समस्याओं का वो अपने ढंग से सुधार कर रहा है और सुधार के साथ साथ वह अपना अगला योजना बनाता है और योजना के अनुसार अगला इम्प्लीमेंटेशन करता है। हम यहाँ पर चर्चा अनुसंधान से लाना चाहेंगे कि जो नवीन तथ्य ज्ञानों की खोज है उसके लिए कई विधियां कई प्रकार हैं। उनमें से यदि हम नेचर ऑफ डाटा के अनुसार कहें तो दो प्रकार के अनुसंधान प्रचलन में हैं और जिन्हें हम क्रमशः क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब है परिमाणात्मक। परिमाण मतलब जिसमें हमें डाटा न्यूमेरिकल प्राप्त हो रहे हैं। और दूसरी जो विधि है गुणात्मक क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें हमारे डाटा क्वालिटेटिव मतलब उसमें संख्यात्मक में नहीं है, हम स्वयं जाकर अपने आंखों से देखकर उसको हम विश्वस्त होकर कहते हैं कि कैसी है और हमने अपने आंखों से आई हैव सीन ऑन माय आईज। ये वास्तव में रिसर्च का। रिसर्च के दूसरा प्रकार है ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर। ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर भी रिसर्च को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया। इसको तो हम दो भाग ही कह सकते हैं, एक है बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च और दूसरा अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत ही एक्शन रिसर्च भी आता है, लेकिन कुछ जगह आप पाएंगे कि फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च, दूसरे नंबर में अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। इनके बारे में आपने खूब जाना समझा है और आप उसका अध्ययन भी किया है। यहाँ पर हम गुणात्मक रिसर्च के संबंध में चर्चा करेंगे और दूसरा जो बेसिक रिसर्च का प्रकार है एक डिस्क्रिप्टिव, जिसको विवरणात्मक अनुसंधान कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव रिसर्च। तो जो एक केस स्टडी है, व्यक्तिगत अध्ययन है, एकल अध्ययन है, वह डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत आता है। तो मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न अनुसंधान है। अनुसंधान की मुख्यतः दो विधियां, जो एक क्वालिटेटिव परिमाणात्मक और दूसरा क्वालिटेटिव अर्थात गुणात्मक और क्वांटिटेटिव और परिमाणात्मक। और इस दूसरा जो उद्देश्य के आधार पर प्रकार है उसमें से जो फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च है जिसके अंतर्गत डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, जिसमें हम वर्तमान में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसका हम आंखों से देखते हैं और उसका हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, और उसी के अंतर्गत आता है केस स्टडी। अब हम केस स्टडी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि केस स्टडी से तात्पर्य किसी भी वस्तु स्थित का भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना व जानना होता है। इसका बुनियादी आधार विद्यार्थी की जिज्ञास प्रवृत्ति को माना जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य संपूर्ण ज्ञान उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति का परिणाम है। जो भी हम जिज्ञासा हमको होती है प्राप्त करने के लिए, उसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से जो केस स्टडी है किसी ज्ञान अनुभव को पाने का एक साधन है और इस विधि में विद्यार्थी शोधार्थी स्वयं समाधान ढूंढने में सक्रिय भूमिका रहती है और इसमें समस्या को हम भली भांति से परिचित होकर और उसके समाधान करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से व्यक्तिगत अध्ययन या एकल अध्ययन या केस स्टडी, जो भी इसको
आप अपनी अपने भाषा में कह रहे हो, व्यक्तिगत अध्ययन एक गहन अध्ययन, इसमें डीप स्टडी की जाती है, किसी भी तथ्य को जानने के लिए गहराई से हम प्रयास करते हैं। इसमें एक विषय का अध्ययन किया जाता है या एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है या एक संस्था का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन किसी व्यक्ति, समूह, परिवार अथवा एक जात संस्थान के सर्वांगीण अध्ययन का गुणात्मक आधार होता है। इसमें एक विषय इकाई को अध्ययन का केंद्र बिंदु मानकर उसमें संबंधित विषय का विस्तृत गहन सूचनाओं का संकलन किया जाता है और इसमें जो डाटा एकत्रित करते हैं, आंकड़े एकत्रित करते हैं, उनमें से प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के सोर्स के द्वारा हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति का अध्ययन का हुआ समझ, जो आप लोगों ने कई जगह से इसको पढ़ा, अच्छे से समझा। और केस स्टडी का हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड और बताने का प्रयास करते हैं कि केस स्टडी का प्रादुर्भाव आप देखेंगे कि मुख्य रूप से ये क्लिनिक में, मेडिकल साइंसेस में सबसे ज्यादा हो रहा था कि सबसे पहले डॉक्टर किसी भी पेशेंट को देखते हैं, उसकी जांच कराते हैं, उसकी केस हिस्ट्री तैयार करते हैं और फिर इसके बाद जब उनकी डायग्नोसिस हो जाती है तो उसमें रिमीडियल, उनका रेमेडी के लिए क्लिनिकल ट्रीटमेंट देते हैं। और आते हैं कि केस बुक मतलब रोगी रजिस्टर तैयार कर लेते हैं, इससे उनको इस प्रकार के केस को गहनता से देखने में काफी सुविधा होती है। दूसरा, आप कृषि के क्षेत्र में चाहेंगे कि हमारे जो किसान हैं, हमारे जो देश के निर्माता हैं, निर्माता इस सेंस में कह सकते हैं कि उन्होंने देश में हरित क्रांति लाई, उन्होंने ही हमारे देश में श्वेत क्रांति लाई और आज हमारे उन्हीं के ही जो कर्णधार हैं, बच्चे हैं, वो देश विदेशों में जा करके डिजिटल क्रांति भी ला रहे हैं। तो हमारा देश ये सब केस स्टडी का ही परिणाम है कि छोटी 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 कमियों को दूर करते गए और आगे की ओर बढ़ते गए, जो कमियां हैं वो कमी होती गई और अच्छाइयां आगे की ओर आती गई। तो इस प्रकार से ये व्यक्तिगत अध्ययन का ही एक उदाहरण है। हम आपको रामायण की ओर ले चलेंगे। श्री रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने भी एक केस स्टडी का बहुत अच्छा उदाहरण आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, सीता माता की खोज। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। और वहां से जाते हुए जब हनुमान जी ने श्री लंका में प्रवेश किए हैं तो उनकी केस स्टडी का देखिए कि उन्होंने जा करके एक एक जगह जा करके देखा और धीरे धीरे एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप और जा करके उनको पता चला विभीषण के पास से, वो हमारे स्टेक होल्डर से, उनसे पता चला कि सीता जी कहाँ पर हैं और फिर वहां पर वो जा करके बढ़िया कीन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और तर पल्लव महुरहा लुकाई करो विचार करो का भाई। इस प्रकार से उन्होंने वो देखा कि क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं और हमको किस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। तो इस प्रकार से आपको दूसरा, हम यहाँ पर द्वापर श्रीमद भगवद गीता का भी आपको यहाँ पर उद्धरण देना चाहेंगे कि जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देने के लिए वहां पर एक कितनी अच्छी मोटिवेशनल काउंसलिंग की है कि जहां वो एक नर्वस हो गए थे अपने काम के प्रति, उन्होंने बिल्कुल अज्ञानतावश कुछ सोच नहीं पा रहे थे और फिर ईश्वर के रूप में हमारे श्री कृष्ण जी ने उनकी काउंसलिंग की, उनको मोटिवेट किया और उनके एक एक कमियों को वो उदाहरण देते हुए समझाते हुए और जा करके उनमें ये भावना विकसित कर सकती कि अब हाँ ये सही है और इसको कर सकते। तो साथियों, ये केस स्टडी का प्रादुर्भाव आदिकाल से और मानव के विकास के साथ साथ जो जो हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, हम कुछ न कुछ ये प्रकरण को देते हुए कमियों को दूर करते जाते हैं और आगे बढ़ती जाती है। जैसे नाव में कि पतवार को हम पीछे की ओर करते हैं और हमारी नाव आगे की ओर बढ़ रही है। और आज इसी के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि एक केस स्टडी का ही एक परिणाम है कि एक नोवेल कोरोना वायरस की स्थिति में हर छोटे, मैंने प्री प्राइमरी स्कूल में भी देखा है कि आज वर्चुअल क्लासेस शुरू हो गए,
जबकि एनसीईआरटी ने मना करके रखा है कि छोटी उम्र के बच्चों को न दिया जाए, लेकिन आज की महती आवश्यकता है कि वो बड़े स्क्रीन में आधे घंटे का प्लेइंग कार्ड्स दिखा करके बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं कि बच्चे वो अपने घर में करते रहें। बड़ी कक्षाओं के लिए तो बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। और हम तो ओपन यूनिवर्सिटी में हम लोगों का डिजिटल प्रोग्राम करना, डिस्टेंस मोड में विद्यार्थियों को काउंसलिंग करना, ये तो अपना चलता रहता है। और इसमें से जो भी कमियां हैं हम लोग दिनों दिन दूर करते हुए और इसके कमियों को दूर करके रक्षाइयों को आगे करते हुए और अपने सिस्टम में सुधार करते रहते। तो इस प्रकार से केस स्टडी का हम आपसे थोड़ा चर्चा करें कि आज की स्थिति में नहीं है, अब आज की स्थिति में हमारे कोर्स में शामिल हो गया है, हमारे टीचर के लिए अनिवार्य है, जो प्राइमरी स्कूल का प्री प्राइमरी स्कूल का टीचर है, हमारे टीचर एजुकेटर के लिए आवश्यक है केस स्टडी, और हमारे सिस्टम के लिए आवश्यक है, हमारे कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनके वर्कर के लिए आवश्यक, उनके सीईओ के लिए आवश्यक है। तो केस स्टडी का आप देखेंगे कि केवल और केवल एजुकेशन तक सीमित नहीं है। अभी आपके पूर्व वक्ता ने भी चर्चा की है कि समाजशास्त्र का ये मुख्य विषय था, अर्थशास्त्र में भी आया, मेडिकल साइंस में भी आया और राजनीति विज्ञान में भी आया और हमारे विज्ञान में भी इनका उपयोग होता जा रहा है। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्र दिनों दिन व्यापक हो रहा है। तो ये केस स्टडी के माध्यम से हम एक बिंदु एक ध्यान करते हैं और उसमें से जो जो भी कमियां होती हैं उनको हम दूर करने का प्रयास करते हैं और उसकी हम आगे प्रयास करते जाते हैं दूर करने के लिए। अब ये कुछ परिभाषा के रूप में आपके सामने है, अब इसको आप देख सकते हैं कि ये किसके लिए है। एक्सेप्शनल स्पेशल विशेष, जैसे बालक समूह हुआ, घटना हुआ, कोई गुण दोष हुआ, असमानता। अब आज को घटना के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आज वर्तमान की जो घटना है आपके पड़ोसी राज्य की, आपका ही राज्य था, और उसमें से कितनी ज्यादा समस्याएं आई, धीरे 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 एक एक केस का अध्ययन करते हुए पुलिस इन्वॉल्व हुई, उनसे भी ने फिर सीबीआई इन्वॉल्व हुआ और आज एक एक इकाई का गहन अध्ययन कर करके और वो अपने निष्कर्ष में जानने के लिए। तो यदि हम यहाँ कहें तो ये क्रिमिनोलॉजी में भी इसका पहले से उपयोग हो रहा, दंड संहिता में इसका उपयोग होने लगा और लॉ में इनका उपयोग होने लगा, पहले से ही होता आ रहा है। इससे ये पता लगाते हैं कि ये भी अपराधी किस किस्म का है, इसको कौन सा दंड दिया जाए, लेकिन वहां पर उसका क्षेत्र होता है दंडात्मक सुधार लाना। और यहाँ पर अपना क्षेत्र है शिक्षा के क्षेत्र में कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत अध्ययन जो है केस स्टडी या एकल अध्ययन, किसी एक केस का गहन अध्ययन किया जाता है। यह केस एक व्यक्ति हो सकता है, एक परिवार हो सकता है, एक समूह हो सकता है, एक समुदाय हो सकता है, एक विद्यालय हो सकता है, एक महाविद्यालय हो सकता है, एक विश्वविद्यालय हो सकता है, एक राष्ट्र हो सकता है, एक राज्य हो सकता है। हम वाइडर सेंस में सोचें तो इसमें से एक का होकर के एक कक्षा से शुरू करें और आगे तक। और इस प्रकार से केस स्टडी किसी इकाई के जीवन की गवेषणा, इसका मतलब है एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि उनकी जो गवेषणा करना, खोज करना, जानकारी करना, और इसके विश्लेषण पद्धति है, चाहे वह एक व्यक्ति हो या परिवार, संस्था, अस्पताल, सांस्कृतिक समूह या संपूर्ण समुदाय। इस प्रकार से किसी इकाई के जीवन की गवेषणा एक्सप्लोरेशन तथा उसके विश्लेषण की पद्धति। अब आगे अब थोड़ा सा बैकग्राउंड, किसके पहले भी किन लोगों ने किया है, बैकग्राउंड पृष्ठ। केसीजी का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक लीफ्ले ने 1829 में सामाजिक विज्ञान में किया। वही 1967 में वार्ने, ग्लेजर एवं एंसेलम स्टाम जैसे समाजशास्त्रियों ने पुनः इसको परिष्कृत रूप में सामाजिक विज्ञान में नवीन सिद्धांत के रूप में प्रयुक्त किया। वर्तमान में केस स्टडी का सर्वाधिक प्रयोग शिक्षा जगत में किया जा रहा है और आज इसे हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के रूप में ज्यादा जानते हैं। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा आपसे चर्चा किया और लिखित इसमें से है। अब ये केस स्टडी की कौन कौन से विशेषताएं हैं कि इसमें हम क्या देखना चाहते हैं, अभी हमने आपसे चर्चा भी किया कि इसमें विशिष्ट इकाई का अध्ययन करते हैं, स्पेसिफिक यूनिट, चाहे वह विद्यालय हो, कॉलेज हो या बच्चा हो।
और इसमें से हम ये भी समस्या के लिए करेंगे कि साइकोलॉजिकल समस्याएं चाहे जो हों, जैसे स्पेशल चाइल्ड यदि कहें तो स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत दोनों आते हैं, जो गिफ्टेड चाइल्ड भी है, बैकवर्ड भी चाइल्ड भी है, तो गिफ्टेड चाइल्ड के अंतर्गत और जो CWN चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, ये भी सब इसी के अंतर्गत आते हैं जो यूनिट में। तो हम गिफ्टेड चाइल्ड में भी देख रहे हैं और पिछड़ा पर समस्यात्मक बालक, और उसमें से जितने भी मंद बुद्धि भी आ सकते हैं और इंटेलिजेंस जो है टैलेंटेड छात्र गिफ्टेड चाइल्ड भी आ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत एक इकाई के रूप में हम अध्ययन करते हैं। गहन अध्ययन के लिए आपसे चर्चा किया कि टीप स्टडी का ये डीप स्टडी करते हैं, उसके मतलब उसके हम भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण का अध्ययन करते हैं, आर्थिक वातावरण का भी अध्ययन करते हैं, उसके आर्थिक स्थिति क्या कैसी है, केस हिस्ट्री का भी अध्ययन करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को इसमें समाहित करते हुए वर्तमान और अतीत का अध्ययन। वर्तमान का मतलब हम ये जो वर्णात्मक अध्ययन के बारे आपसे कहिए कि किसी घटना की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचनाएं प्राप्त करता है, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है वह किसी न किसी रूप से धीरे धीरे वह भूतकाल में परिणित होती जाती है। और जो अभी आपसे चर्चा किया कि जो अभी घटनाएं हैं CBI को सौंपी गई, उसके पहले की भी कुछ घटनाएं हैं जिसकी भी वो चर्चा कर रहे हैं और उसका विवेचना कर रहे हैं। फिर क्वालिटेटिव स्टडी की बात किया, संपूर्ण अध्ययन होलिस्टिक स्टडी की बात इसमें की जाती है कि इसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट जो भी चीजें हैं, ये ऐसा कहें कि ए टू वेड, मिशन से विजन तक, पहली सीढ़ी से अंतिम सीढ़ी तक, ये जो है होलिस्टिक अध्ययन होता है कि जे में से मिशन ने बनाया और विजन जो हमारा जो अंतर चक्षु में है उसको प्राप्त करने के लिए हम सतत प्रयास जो करते हैं, पूर्ण अध्ययन को हम होलिस्टिक स्टडी का। कार कारण अध्ययन, कार्ज एंड डिफेक्ट स्टडी, ये जो साइंटिफिक रिसर्च का एक है कि उसके क्या कारण है, उसका क्या प्रभाव है, कारण को भी दूर करना, प्रभाव को दूर करना और इस प्रकार से अध्ययन को सफल बनाना। तो इस प्रकार से इन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति का अध्ययन यानी एकल अध्ययन या केस स्टडी कुछ ही इकाइयों तक सीमित रहता है, लेकिन इसमें समस्या का गहन अध्ययन किया जाता है, अर्थात यह संपूर्ण अध्ययन होता है, अतीत व वर्तमान दोनों से संबंधित होता है और यह अध्ययन पूर्ण रूप से गुणात्मक होता है। अब ये दो प्रकार से हम आपसे चर्चा करने हैं कि जीवन वृत्तांतक रूप से, जीवन वृत्तांतक का है मतलब बायोग्राफिकल स्टडी के रूप में, और दूसरा अध्ययन करते हैं नैदानिक, और नैदानिक जिसको हम डायग्नोस्टिक स्टडी कहते हैं। तो ये हम उसके जीवन वृत्त से संबंधित समस्त चीजों का जो हम वहाँ करते हैं अध्ययन, उन सबको हम जीवन वृत्तांतक के अंतर्गत, और नैदानिक इसके प्रयोग किसी व्यक्ति की विशेष दशा स्थिति मालूम करने के लिए, विशेष रूप से ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजी कहे या कि हमारे वो जो समस्या मूलक बालक हैं, किसी रूप से पिछड़ेपन बालक हैं और किसी रूप से वो विद्यालय के समस्या ग्रस्त और विकलांगता के क्षेत्र में कुछ बालकों का हम इसमें अध्ययन किया करते हैं, उनको जो भी आवश्यकता हो उनको हम ट्रीट करते हैं और ट्रीट बाद आवश्यक सुधार के लिए प्रयास करते हैं। तो ये केस स्टडी का प्रकार। अब यूजेज ऑफ केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन से छात्रों में अधिकम अधिक प्रभावशाली होता है, जिससे छात्रों में योग्यता अध्ययन संबंधी अच्छी आदतों का विकास होता है, ये इसकी उपयोगिता है। छात्रों में धारण शक्ति का विकास होता है, व्यक्ति अध्ययन में छात्रों में उपलब्धि स्तर में वृद्धि होती है, हम पहले पता लगाते हैं इसके क्या कारण है कि यह पिछड़ापन है और फिर उन कमियों को दूर करने का हम प्रयास करते हैं, और बच्चों में अध्ययन के प्रति जो पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत में छात्रों में का विकास है, तो इस प्रकार से ये बहुस्तरीय शिक्षण में भी, ये जो आप मल्टी स्टेज लर्निंग की बात है, ये जो केस स्टडी उसमें भी बड़ा उपयोगी साबित हुआ है। व्यक्तिगत अध्ययन विभिन्न मानसिक स्तर के छात्रों को उनको ढंग से सीखने का भी आपसे हमने इसके बारे में चर्चा किया कि ये जो गिफ्टेड चाइल्ड है या को बैकवर्ड चाइल्ड है या किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम चाइल्ड है, उन सब के लिए ये
मानसिक स्तर का भी अध्ययन करता है। व्यक्तिगत अध्ययन छात्रों को एक सार्थक ज्ञान प्रदान करता है जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के समाधान अध्ययन के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन अपने में एक पहेली होती है जिसे हल किया जा सकता है, छोटी छोटी समस्याओं को आइडेंटिफाई करना, विश्लेषित करना और उनको दूर करने का प्रयास करना। तो अब ये इसका उद्देश्य जो केस स्टडी का है, ये यहाँ पर हम जो आपसे चर्चा कर रहे हैं बीएड स्टूडेंट्स के लिए समझने के लिए, और फिर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि एमएड स्टूडेंट के रूप में हमारे इसमें से बहुत से जो टीचर एजुकेटर भी जुड़े हैं, बहुत से रिसर्च स्कॉलर भी जुड़े हैं, तो जब हम इसकी रिपोर्ट राइटिंग पर चर्चा करेंगे तो उन सब के लिए भी प्रयास करेंगे चर्चा करने का। तो ये केस स्टडी का उद्देश्य है विद्यार्थी स्वतंत्र होकर स्वयं ही सृजनात्मक ढंग से समस्या पर विचार कर सकेंगे, ये समस्या समाधान प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग तक पहुँचने में एक्टिव हो सकेंगे, अपने पूर्व ज्ञान प्रयोग करते हुए प्रमाणों को संग्रह कर सकेंगे, घटनाक्रम में नवीन तथ्यों को जान सकेंगे। ये सभी इनके केस स्टडी की उपयोगिता है कि जो विभिन्न कक्षा में हम करते रहते हैं। केस स्टडी की कुछ विशेषताएं जिन पर हमने चर्चा की है उन्हीं में से ये कुछ विशेषताएं आपके सामने हैं। शिक्षण अधिगम की समस्याओं का समाधान इसमें व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, सबसे बड़ी विशेषता है। लिखित रूप से विशेष महत्व दिया जाता है। शिक्षक छात्र को सीखने के लिए परिचित विषय वस्तु कंटेंट, इसमें कंटेंट एनालिसिस का एक बात आई, प्रदान करता है जिसमें छात्र अभ्यास तथा अनुक्रिया करता है। सीखने के साथ साथ मूल्यांकन भी किया जाता है और छात्र अपने कार्य का स्वयं भी मूल्यांकन कर सकते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन में या केस स्टडी में या एकल अध्ययन में, मतलब जो भी आप कहें, प्रत्येक छात्र को अपने ढंग से सीखने का अवसर दिया जाता है और स्वयं गति का सिद्धांत इसको कह सकते हैं। इसमें छात्र बहुआयामी माध्यमों से सीखता है, सुनकर देखकर तथा कुछ कर के, कुछ छात्र पढ़कर तथा कुछ अधिक सीखते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे साइकोलॉजी की जो अधिगम अयोग्यताएं होती हैं जिसको हम डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार, डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार, डिसकैलकुलिया जो गणितीय संगणना संबंधी विकार, इनका भी अध्ययन जो हम करते हैं इसमें से छात्र सुनकर देखकर तथा कुछ करके सीखते हैं, उन कमियों को हम दूर करने के लिए यहाँ पर हम प्रयास करते हैं केस स्टडी के माध्यम। व्यक्तिगत अध्ययन में शिक्षक अधिक उत्तरदायित होता है क्योंकि इसमें प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से सिखाना होता है, इसलिए यह है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटी का मतलब व्यक्तिगत रूप से, इसके अंदर प्रत्येक छात्र को उसकी कठिनाइयों को दूर करने का अवसर दिया जाता है। सीखते समय पुनर्बला रीइंफोर्समेंट तथा निरंतर मोटिवेशन, माने मोटिवेशन का हम अभिप्रेरणा का प्रयास करते हैं, जैसे अभी आपको श्रीमद्भगवद् गीता में गीता का वो बताया कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कितने अच्छे से मोटिवेट किया है। इस तरह से अगर हम मोटिवेट करें अपने शिक्षा जगत में तो हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी हो जाए कि हमारे देश जो पुराने समय से सोने की चिड़िया कहलाता था, मेरे समय से दिन दूर नहीं होगा। क्योंकि हमारे देश में किसी भी चीज है ना, तो शिक्षाविदों की कमी है, ना वैज्ञानिकों की कमी है, ना कार्यकर्ताओं की कमी है, केवल और केवल उनमें मोटिवेशनल फैक्टर को हाई करना है, इंस्पिरेशन पावर हाई करना है, और वो यदि खुश हो करके सभी काम करें, छोटी छोटी कमियों को दूर करते जाएं और आगे की ओर बढ़ते जाएं, तो अब ये सोर्सेस ऑफ केस स्टडी हैं कि इसमें ये हम चर्चा भी कर चुके हैं, हर चीजें हर बार आएंगी, कई बार आएंगी, इसलिए हम आपको ध्यान भी दिलाते हैं कि एक दूसरे से लिंक करते रहे और आपका ज्ञान इतना स्थायी हो जाए कि आप जिस प्रकार से स्कूटर मोटरसाइकिल कार चलाना पहले सीखा और फिर आप जब अपनी उसके साथ स्पीड के साथ चलते हैं तो मोबाइल पर बात करते भी आपको कोई दिक्कतें नहीं होती, आपके पास इतनी स्किल डेवलप हो जाती है, इनका एक आपका कौशल विकसित हो जाता है कि आप केस स्टडी को कोई हवा न मानते हुए एक सरल तरीके से आप कर सकेंगे और बच्चों को लाभान्वित कर सकेंगे, बच्चों को भी प्रेरित कर सकेंगे। तो इसके सोर्सेस हैं अभिभावक, पेरेंट्स होते हैं, माता पिता पालक और परिवार के सदस्य, संबंधी तथा सन्निकट के सदस्य या मित्र,
माने हमारे रिलेटिव हो, पड़ोसी भी इसमें हो सकते हैं, हमारे निजी संबंधी हो रहे हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि ये केस हिस्ट्री का ये उदाहरण अभी सीबीआई जांच कर रही है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बस आप उसको ध्यान करके आप देखिए कितनी अच्छी केस स्टडी कर रहे हैं। और इसी तरह से आप माइन्यूट छोटी छोटी चीजों को आप अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो आपकी भी केस स्टडी सार्थक और सरल होगी। अब हमारे शिक्षक है, हमारे प्राचार्य हैं, मनोवैज्ञानिक है, इसमें मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत हमारे साइकोलॉजिस्ट, ये सब के सब इसके अंतर्गत आते हैं, परामर्शदाता काउंसिलर हैं, चिकित्सक हैं, सहपाठी, सहपाठी के अंतर्गत कौन, जो हमारे क्लासमेट्स बच्चों के, और पुस्तका लाइब्रेरियन, छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन जिनको कहेंगे, और विद्यालय संचयी आलेख जो स्कूल के रिकॉर्ड्स होते हैं, बालक की डायरी, लेटर, अभी आपने देखा होगा इस प्रकरण को इसलिए मैं जोड़ के कि आपका नया है, डायरी भी देखी जा रही है, उनके उनके डॉक्यूमेंट्स भी देखे जा रहे हैं, अभी आया है कि उनका जो लैपटॉप है तो किसने डिलीट कर लिया है, ये सब चीजें जो हैं इस पीसी के अंतर्गत आती हैं। हमारे केस स्टडी में हर चीजों को देखना होता है बारीकी से, कहां से कौन सा एविडेंस मिल जाए जो हमारी इस शोध के लिए सार्थकता साबित करे, ये मुख्य इसका उद्देश्य है। तो ये आपके अन्य व्यक्ति जो बालक के संपर्क में, इस अन्य स्टेक होल्डर भी हैं अथवा वे स्रोत जहां से बालक के संबंध में सूचना प्राप्त हो, चूंकि हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम आपको अपना चर्चाएं कर रहे हैं कि हमारे एजुकेशन का है। आधारभूत मान्यताएं कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं, हमारी अभी भी मान्यताओं पर टिके हुए हैं और जिसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। ये आधारभूत एकता, फंडामेंटल यूनिटी के बारे में जान हम बात करते हैं कि ये हम समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति के कुछ लक्षण समान हैं तो हो सकता है कि दूसरे में भी हो, जबकि ये इंडिविजुअल होता है, अब जरूरी नहीं है कि ये लक्षण दूसरे में भी हो, लेकिन सामान्यतः चूंकि ह्यूमन बिहेवियर वगैरह है तो मानव प्रकृति से संबंधित कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जिन्हें सभी व्यक्तियों अथवा समूह के व्यक्ति पर लागू किया जा सकता है ऐसा मानते हैं, इसलिए इसकी एक बेसिक जनसंसिस में कि आधारभूत एकता को भी मानते हैं। परिस्थितियों में समानता, ये भी मानते हैं कि ये परिस्थिति यदि समान रही है तो अमुक व्यक्ति का जो हम अध्ययन करते हैं तो हो सकता है कि इसकी भी हो जाए, ये जेम्सन्स हैं, माने हो या ना हो ये आवश्यक नहीं। समय तत्व का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ टाइम एलिमेंट, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अगर कोई बच्चा चोरी करना सीखता है, गलत आचरण अपनाता है, इसका यह अर्थ है कि उस बालक को चोरी करने के लिए प्रेरित करने वाले कारक बहुत पहले से ही थे, मतलब ये इसका जरूरी नहीं है कि आज का ही है। समझ तत्व का प्रभाव का इसलिए अध्ययन करते हैं कि बच्चे में ये कमियां कब कहां से विकसित हुई हैं। सर्वांगीण अध्ययन का वहां भी बात हमने एक जगह किया है, होलिस्टिक स्टडी की, टोटल स्टडी, होलिस्टिक स्टडी, ये सर्वांगीण अध्ययन का यहाँ पर अभिप्राय है कि ये आधारभूत मानता है, ये हम मानते हैं कि समाजी किसी सामाजिक इकाई का भली बात अध्ययन करके किसी एक पहलू के आधार पर नहीं किया जा सकता अथवा उसको सर्वांगीण या समग्र रूप में ही देख कर किया जा सकता है, पूरी प्रणाली का ही हम अध्ययन, यदि एक को हम मान लें कि एक अध्ययन कर लिया इससे हम सबको जनरलाइज कर सकते हैं, इसलिए ऐसा इसमें संभव नहीं, इसीलिए जो केस स्टडी के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। परिस्थितियों की जटिलता, परिस्थितियां समय समय पर बदलती रहती हैं, ये आधारभूत एक मानता है, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां अत्यधिक जटिल हैं इसलिए उन परिस्थितियों के कारण मानव व्यवहार भी इतना जटिल हो जाता है, उसका अध्ययन अवलोकन द्वारा नहीं किया जा सकता, ये हमारा एक जेम्सन है। इसलिए किसी भी सामाजिक इकाई के व्यवहारों, क्रियाओं, मनोवृत्तियों आदि को समझने के लिए उसका संपूर्ण अध्ययन करना आवश्यक होता है। ये हमारे कुछ बेसिक्स एजम्पशंस हैं जिसके आधार पर हम कुछ धारणा बनाते हैं, धारणाएं विकसित करते हैं, लेकिन ये सर्वथा उचित नहीं होते, कहीं
हम करते भी हैं कहीं पर नहीं, इसलिए इस पर चर्चा थोड़ा सा होना भी आवश्यक है। प्रोसीजर ऑफ केस स्टडी, कौन कौन सी समस्याएं का हम करेंगे किसी भी केस स्टडी को लेने के लिए, कि बालक चोरी क्यों करने लगा, बालक की समस्याएं और कौन कौन सी हो सकती हैं, कि हमने देखा कि गलत आचरण उसका आया और उसने झूठ बोलना कब से सीखा, क्रोध क्यों करता है, क्रोधी बालक क्यों है, ये समस्याएं। बालक बहुत अच्छा पढ़ने में था और उसमें से वो आज कमजोर होता जा रहा है। इस संबंध में हम आपको एक केस स्टडी, एक टीचर हमसे चर्चा करते थे और एक परिवार की केस स्टडी, बहुत छोटा सा उदाहरण बताते। बहुत ब्रिलियंट स्कॉलर लड़का था, वो छठवीं सतवीं में गया और वो अपना होमवर्क करके नहीं गया विद्यालय, होमवर्क करके नहीं गया, टीचर से उसको डांट पड़ी होगी, दूसरे दिन कुछ परिस्थिति के कारण, घरेलू परिस्थिति के कारण वो नहीं किया, और फिर जाता था तो एक पुल पड़ती थी उसी के नीचे वो छिप जाया करता और नहीं जाए, और उसके जो भाई बहन थे वो जाते थे स्कूल में पढ़ते, जब आए तो खेलता रहता था साथ में चलाया। शिक्षक को अभिभावक के माध्यम से पता चला, अभिभावक ने भी पता लगाया, शिक्षक ने पता लगाया उस विद्यार्थी का। अब इसलिए इसको केस का हम आपको बता रहे हैं कि वो ब्रिलियंट स्कॉलर था और स्पेशल चाइल्ड का ही अध्ययन करने के लिए आपसे चर्चा की, किसी प्रकार से विशिष्टता होनी चाहिए। तो वो शिक्षक ने बहुत अच्छी से हम लोगों से ऐसे चर्चा, काउंसलिंग चर्चा हो रही थी, तो हम कहे भाई आपने जो होमवर्क दिया बच्चे को, आप थोड़ा सा एक दिन इन्हीं बच्चों के साथ चाहिए, उसके चूंकि भाई बहन थे इसलिए उनको बताया कि वहां पर छिप जाता, भाई बहन के साथ में गए और गए कि भैया तुम्हारा होमवर्क सब कुछ ठीक कर देंगे। शिक्षक बड़े उसको प्यार के साथ समझाए, ले आए, उसका होमवर्क ठीक कराया और फिर कहा कि तुम तो इतने अच्छे हो कि सब कर लेते हो, चलो होमवर्क हम कल से कम करेंगे और हम प्रयास करेंगे। धीरे धीरे बच्चे में आईक्यू तो था ही, उसने छठवीं में भी पहली पोजीशन लाई, सातवीं में, और आपको पता चलेगी तो आप आश्चर्य करेंगे आईआईटी में वो लड़का गया, आईआईटी से आज ये किसी कंपनी में वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा है। तो ये होता है केस स्टडी और प्रॉपर काउंसलिंग का प्रभाव। इसलिए समस्या का जो विवेचन है हम उसको एक गहराई से छोटी छोटी बातों को हम देखें और देखने के बाद उस समस्या का हम विवेचन करें। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा जो है इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, फिर समस्या का चुनाव, कीन ऑब्जर्वेशन के लिए हम एक समस्या को एक बार में लें कि बच्चे के चोरी करने का कारण, अनुशासनहीनता का क्या कारण है, पिछड़ेपन का क्या कारण है, ये टैलेंट था और क्यों अब प्रॉपर अपना प्रोग्रेस रहा है, या ये भी हम इसमें से देख सकते हैं कि एक कॉलेज जो इतना अच्छा, मैंने अब एक स्किल की स्टडी कराई थी कि 5 साल से लगातार उस स्कूल का 85-12 रिजल्ट आता था, ब्राह्मी के लड़के सबके सब फर्स्ट क्लास तो आते थे, 80-85 के वेब रिजल्ट आता था, और उसमें देखा गया कि उसके जो शिक्षक हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उनमें किन किन चीजों में अच्छाइयां पाई गई, पेरेंट्स भी उसके जागरूक पाए गए, टीचर्स भी जागरूक पाए गए, स्टूडेंट्स भी जागरूक पाए गए, और विद्यालय में जैसे होड़ सी लगी हो अपने अचीव करने के लिए, 1-2% हर साल बढ़ रहा था, 80 से 82 से 85 इस प्रकार से। ये केस स्टडी का है कि हम समस्या का चुनाव कि उस विद्यालय एक्सीलेंसी क्यों है, इस कॉलेज का एक्सीलेंसी क्यों है। हम आपको ये बताएंगे कि नैक की जो टीम आती है, आप लोगों ने सब सुना होगा, कॉलेज से जुड़े हुए हैं, कोई कॉलेज बड़े मुश्किल से A+ अचीव कर पाता है, कोई यूनिवर्सिटी A+ अचीव कर पाती है, B+ A तक ही सीमित, और आपने देखा होगा कि टॉप रैंकिंग में जो इंडियन की यूनिवर्सिटी है उसमें टॉप रैंकिंग में नहीं है किसी में, कभी तो 100 के अंदर आ जाती है, कभी 100 से पीछे। अब इस संबंध में आपको हम जहां चर्चा करेंगे कि प्रॉपर केस स्टडी का अभाव, हम प्रॉपर कमियों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, प्रॉपर कमियों को हम दूर नहीं कर पाते, आगे हम चर्चा करेंगे प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस नहीं कर पाते कि जिससे हम क्रमशः पिछड़ जाते हैं, और इसी एक्सीलेंसी को आपको बढ़ाने के लिए हमें समस्या का चुनाव इस प्रकार से करना है कि जो कि आज के लिए वर्तमान की स्थिति में हो, अनुकूलित हो, और जिससे हम अगर प्रयास करें तो उसमें निरंतर हम सुधार कर सकें। फिर डिटरमिनेशन ऑफ केसेस, स्कोप ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस का क्या क्या वो करेंगे, हम इसमें 3 प्रकार की एनालिसिस का उपयोग कर सकते हैं। एक तो थेमेटिक एनालिसिस करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करते हैं, कंटेंट एनालिसिस करते हैं, ये हम जब अभी चर्चा करेंगे
में बताएंगे इस इन बड़े भारी भरकम शब्दों में चूंकि यूज होते हैं चर्चा कर रहे हैं, आपको हम सरल और तरीका बताएंगे कि केस स्टडी आपको आसान हो जाए, वास्तविक उसकी जो थीम है आप कर सके। और फिर है घटनाओं का अनुक्रम वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ इवेंट्स, डिटरमाइन फैक्टर्स, वो कारक कौन कौन से हैं उनको हमको निर्धारित करना है, उसको एनालिसिस करना है लास्ट में, और फिर कंक्लूजन निकालना है, और इसी के साथ में हमको फॉलो अप करना है कि जो कार्यक्रम इस तरफ से समझ लें कि जो हमने आइडेंटिफाई किया उसको मैंने डायग्नोसिस की, उसको हमने रिमीडियल टीचिंग दी, रिमीडियल टीचिंग के बाद उसमें जो सुधार आए उसको हम फॉलो अप करते जाएंगे कि वो सुधार सस्टेन हो रहा है, कहीं ऐसी स्थिति नहीं कि वो रुक रहा, कहीं पर उसमें बाधा आ रही हो, अगर कहीं पर कोई बाधा हमको परिलक्षित हो वो पर दूर करते जाएं और वह जो केस पर हमने काम किया है वो आगे बढ़ता जाए। ये केस स्टडी का एक प्रोफार्मा है, बहुत से प्रोफार्मा आपको मिले होंगे, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ। और साइकोलॉजी की जो ये विभिन्न प्रकार के जो बुकसेलर्स रखते हैं, साइकोलॉजी की जो लैब्स हैं, साइकोलॉजी के जो टेस्ट और एक्सपेरिमेंट डेवलप करते हैं, वहाँ पर आपको केस स्टडी प्रोफार्मा मिलेगा। ये केस स्टडी प्रोफार्मा का एक नमूना आपसे हम शेयर कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि आप इसी को ये माने, ये प्रोफार्मा एक है, चूंकि इसमें प्रोफार्मा के माध्यम से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसलिए थोड़ा सा इस पर चर्चा करना जरूरी है। और एक प्रकार का स्टैंडर्डाइज प्रोफार्मा है। और बीएड के स्टूडेंट्स के लिए कुछ कॉलेज, मेरे ख्याल से प्राइवेट में तो हर जगह देखने को मिला है कि केस स्टडी का एक रजिस्टर ही देते हैं, और एक केस स्टडी करना उनके लिए अनिवार्य होता है कि वो जाकर के केस स्टडी करें। कई स्टूडेंट्स आते रहे और बीएड लेवल के भी, उनको भी अपने पड़ोस से भी और उस केस स्टडी के प्रोफार्मा भराने का भी ये अनुभव प्राप्त हुआ। तो ये एक प्रकार का है, मैं इसको कम समय लेते हुए थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लूंगा कि जो काम है समस्या प्रारंभ होने का समय अथवा सबसे पहले समस्या कब देखी गई, जिन भी बिंदुओं को हमने चर्चा किया इस प्रोफार्मा भी स्पष्ट परिलक्षित हो रहे हैं। आप यदि बीएड स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास हो सकता है कि ये कॉपी आपको मिली हो कॉलेजों से, तो उसमें भी ये प्रोफार्मा के कुछ बिंदुओं का उल्लेख अवश्य होगा, लेकिन आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार से ये नहीं देखना है कि बस ये कई प्रोफार्मा है स्टैंडर्डाइज है और मुझे नहीं मिला। तो इसमें जिन जिन बिंदुओं का हम चर्चा करते हैं तो ये है कि व्यक्तिगत इतिहास को देखना, शैक्षिक पृष्ठभूमि देखना, पारिवारिक इतिहास को देखना, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखना, बालक की योग्यताओं के बारे में देखना, शिक्षा हेतु सुविधाएं और व्यक्तित्व की विशेषताएं, ये सभी की सभी इस केस स्टडी में आती हैं। व्यक्ति का व्यक्तिगत इतिहास में मेन मेन हेडिंग आपसे चर्चा कर लें, प्रारंभिक विकास, कमजोर स्वास्थ्य का देखना उसमें कि बच्चे का किस प्रकार से कब चलना प्रारंभ किया, ये इस तरह से हम देखते जाएंगे कि हेल्दी जो बालक है पहले से उसका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा नहीं है, कुछ कारण है ये देखने के लिए। विद्यालय स्कूल बैकग्राउंड उसका कैसा है, विद्यालय का वातावरण क्या है, विद्यालय शोरगुल तो नहीं है, वहां से अभी हमने देखा होगा कुछ विद्यालयों का कि बारिश आई, बारिश का पानी विद्यालय में भर गया और 15 अगस्त मना रहे हैं उसी पानी में खड़े होकर, तो ये सब विद्यालयीन वातावरण के अंतर्गत आते हैं। मवेशियां जो विशेषकर शासकीय विद्यालय होते हैं, मवेशियां ढोर जो होते हैं उसी में ठिकाना होता है शाम के बैठने, तो ये वातावरण के अंतर्गत आते हैं। तो प्रारंभिक विकास के विद्यालय का पृष्ठभूमि देखना है, घर से दूरी कितनी है विद्यालय की, पाठ सहगामी क्रिया को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, बच्चा उसमें भाग लेता है कि नहीं होता, क्या कैसी स्थितियां हैं, कितनी गतिविधियां होती हैं, इनके बारे में देखना, परिवार का फैमिली हिस्ट्री के बारे में, उनके माता पिता भाई बहन सब कुछ हैं। कहते हुए अब चूंकि ये सेशन भी है चर्चा, आने वाले भविष्य में ऐसा लगता है कि कुछ रिश्ते भी अपने आप विलोपित होते जाएंगे, ये भी एक केस स्टडी का है कि ताऊ ताई किसको कहेंगे बच्चे, अंकल आंटी तो दूसरे पड़ोस वाले को भी कह सकते हैं लेकिन अपने निजी, ये सब चीजें एक थोड़ा सा जागरूकता के लिए आपके उसमें से चर्चा किया है कि ये जो पारिवारिक इतिहास के संबंध में भी ये कुछ बातें हैं।
बच्चों में जो बुरी आदतें आ जाती हैं, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, तंबाकू खाना, गुटखा एक समय पर बहुत पॉपुलर हो गया है, सिगरेट पीना, घुड़दौड़ में दांव लगाना, मैंने भी देखा। मेरे एक साथ में ही प्रोफेसर साहब साथ में हम लोग कहीं बाहर थे, किसी विजिट में गए थे और शहर में देखा कि लड़कियों को सिगरेट पीते हुए किसी स्कूटी पर बैठी हुई। अब वो पढ़ने के लिए आई होंगी, अब पढ़ने के लिए घर, जैसे वन चाइल्ड कंसेप्ट आया है, उनको हर सुविधाएं मिल रही हैं। अब ये बात तो पहले दिन सिगरेट पीना नहीं आया होगा। और इन चीजों का अगर पता हो जाए, काउंसलर को पता हो जाए, तो आप जो किनारे में कर रहे हैं धीरे धीरे वो आदत दूर हो जाएगी। मैं इसलिए भी चर्चा किया कि हम तो बच्चों को देखते हैं, कभी घर के पीछे भी आ जाते हैं, कई कॉलेज में पढ़ते हैं, जब मुझे देखते हैं तो छिपने शुरू कर देते। तो ये जब आपको मालूम हो जाएगा कि बच्चे में गलत आदत है किसी न किसी माध्यम से, उसे पियर से, और अगर आप उसको मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करेंगे कि मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है, तो हो सकता है उसमें जागरूकता है धीरे धीरे, क्योंकि अपना उद्देश्य है उनकी गलत आदतों को भी दूर करना। तो पारिवारिक इतिहास इसमें से बहुत जरूरी होता है। रुचियां देखना, उसका सामान्य स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी रखना, कुछ ऐसी कुछ बीमारियों से ग्रस्त नहीं था इसके बारे में देखना, ये सब चीजें हैं पूरे इस उसमें आती हैं। आप अपने इसको मैं भेज भी दूंगा और आप कॉलेज के माध्यम से देख भी सकेंगे। परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में बताया, इसमें भी अध्ययन करते हैं प्रोफार्मा में, और स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य में जो भी चीजें हैं उनको देखेंगे, चिकित्सक की भी रिपोर्ट इसमें करेंगे, फिर मनोवैज्ञानिक, बालक मान लीजिए कि मंद बुद्धि का है या गिफ्टेड चाइल्ड है, आप कैसे पता करें। जैसे गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में कई जगह आप पाएंगे उसका आई क्यू हाई होता है, किसी किताब में पाएंगे 30 एंड अबव, किसी में 132 एंड अबव, किसी में पाएंगे 140 एंड अबव, मतलब वो उसमें से उच्च बुद्धि लब्धि होती है इस तरफ से समझे, और 130 से अबव। और फिर यदि वो मंद बुद्धि का बालक है, जिसको हम मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड भी कर सकते हैं, इसको आज के उसमें इंटेलेक्चुअली माने बौद्धिक अक्षम बालक भी कहा जाता है आज की जो नई, उसमें तो उसमें से अगर मान लीजिए मंद बुद्धि का बालक है, तो उसको किसी में 85 देगा, किसी में 85 देगा, किसी में 80 देगा, किसी में 70 से, मतलब जो है 80 एवं 85 आईक्यू से बिलो जो है मंद बुद्धि के। तो इन अध्ययनों के माध्यम से हम पता लगाएंगे, पहले समझें तो कि ये बालक मंद बुद्धि है वास्तव में। तो मनोवैज्ञानिक मापन में बुद्धि है, इंटरेस्ट है, अक्षमता एप्टीट्यूड, और समायोजन एडजस्टमेंट अचीवमेंट, उसको टेस्ट के माध्यम से हम देखेंगे। जैसे आप लोग हर विषय के अपने अचीवमेंट बनाते हैं, एनजाइटी का है, लेवल ऑफ इंस्पिरेशन, महत्वाकांक्षा, क्रिएटिविटी, इस प्रकार से हम जो मनोवैज्ञानिक, ये आवश्यक नहीं कि हर बच्चे में हर केस में ये हो स्टडी, ये तो एक ओवरऑल, मतलब जिस केस का आप अध्ययन करना चाहते हैं, जो जो भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उस जानकारी के अनुसार एक प्रोफार्म आप स्वयं डेवलप कर सकते हैं। आपका अध्ययन का यहाँ मतलब है कि हमारा जो टॉपिक है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव की पूर्ति हमारे इस प्रोफार्मा या सोर्स ऑफ डाटा से हो रही है या नहीं, विशेष रूप से इस चीज को ध्यान रखना है। फिर ये आपका अंत में इसका होगा नहीं, आप अपना नाम, अपना पता और सब कुछ दे सकते हैं कि किसने कहा। बाद अंतिम इसमें है, यदि असाधारण योग्यताएं हो तो उसका भी विवरण दें। अब साथियों, आप लोग इसमें से तीन ग्रुप हैं, तीनों ग्रुप की हम चर्चा करते हैं कि जो रिपोर्ट राइटिंग की बात आएगी। अब यहाँ पर जो बीएड स्तर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए उनको जो पुस्तिका प्रदान की गई है, अभ्यास पुस्तिका, एक केस स्टडी रजिस्टर दिया गया है, उसमें एक प्रोफार्मा है, आप जिस भी केस का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसमें जा करके उसको देखें और उस प्रोफार्मा की एक एक चीज को बारीकी से अध्ययन करते हुए भरते जाएं, और भरने के बाद अंतिम में जो दिया रहता है कि आपका उसमें से विश्लेषण एवं सुझाव जो अंत में दिया हुआ है, तो आप पूरे केस में जो जो चीजें देखा है तो उसको विश्लेषित कर दिए कि इन बिंदुओं को पाया गया, इसमें अच्छाइयां हैं, ये कमियां हैं, इनको दूर करने जाने की संभावना है, और उसी में से अपनी रिपोर्ट दे करके, अपना साइन करके आप
सुझाव के साथ अपने संस्था को सबमिट कर सकते हैं, इससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन यदि आपको रिसर्च पेपर बनाना है उसी केस के आधार पर, तो एक कहावत आप लोगों ने सुना है और सामान्यतया जो अभी लोग चर्चा करते हैं, न सौ बका न एक लिखा। हम हर चीजें बातें तो कर लेते हैं, लेकिन अगर लिखित रूप में अच्छी स्टाइल के साथ हम उसको लिखा नहीं तो वह इफेक्टिव नहीं होता, आपका किया हुआ काम वो सब बेकार चला जाता है। इसलिए प्रतिवेदन लेखन शोध का जो अंतिम सोपान है, जो अब हम काम पूरा करके, चूंकि हमारे पास पूरा अनुभव हो जाता है और हम करते हैं, तो इसका अंतिम सोपान को पूरा करने का मुख्य उद्देश्य है जिज्ञास व्यक्तियों को शोध के विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में सूचना प्रदान करना। आपने जो डॉक्यूमेंट्स किया, इसलिए मैंने इसको बना दिया कि आज जो आपके पास बोला उसके लिए कुछ न कुछ आपके पास एविडेंसेस के रूप में कॉलेज के पास ही रहा भी आएगा कि इन बिंदुओं पर चर्चा हुई। चूंकि ये क्षेत्र बहुत व्यापक है और उस व्यापकता को हमको सीमित क्षेत्र में अपने उद्देश्य के अनुसार ले आना है, तो इसलिए अगर आपने लिखित रूप से कहीं पर दिया है वो आगे के लिए काम आएगा। कहाँ कहाँ काम आएगा आप इस पर चर्चा कर सकें। प्रतिवेदन लेखन के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। अब आप यदि रिसर्च पेपर हैं तो उसमें से आपसे चर्चा करते हैं। रिसर्च पेपर यदि लिख रहे हैं तो उसमें ज्यादा औपचारिकता करने की जरूरत नहीं है, उसमें से टाइटल जो आपने बनाया है छोटा सा एक टाइटल लिख दें, और टाइटल करने के बाद लिखने के बाद आप उसमें से उसके उद्देश्य, जैसे टाइटल कैसे लिखें, अ स्टडी ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन एंड इंडियन यूनिवर्सिटी। हमने एक बड़ा सा टॉपिक आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिया था। अ केस स्टडी ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ NAEP नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम इन मध्य प्रदेश आर इन झारखंड आर इन बिहार, कहीं का भी ले सकते हैं, ये नेशनल लेवल का भी ले सकते हैं, स्टेट लेवल का भी ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का ले सकते हैं, इवन एक विलेज का भी ले सकते हैं, क्योंकि नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम गाँव से लेकर के और टॉप शहर यूनिवर्सिटी में एक आपने कंटिन्यू एजुकेशन आपने आज ने देखा है और वो समाज शिक्षा विभाग के रूप में होता था, इन सब का काम एडल्ट एजुकेशन में काम करना ही था, तो उसकी भी आप एक केस स्टडी या मैनेजमेंट प्रोसेस पर कर सकते हैं। उसका जो है कल आपने बताया कि बड़ा इफेक्टिव रहा लीडरशिप का, लीडरशिप ऐसे भी होता है, अब लीडरशिप के संबंध में कि जितना अच्छा आपका लीडर होगा उसी प्रकार से जैसे आपके कॉलेज का एक लीडरशिप इतनी अच्छी है कि आप ये इतना अच्छा काम ये कर रहे हैं, कुछ कॉलेजों ने तो शुरू भी किया ताले भी बंद हैं और आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है, उम्मीद लगती है कि आप इसी तरह से प्रयास कर रहे हैं तो कहाँ पहुँच जाए, जो आज की महती आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये हम चर्चाएं करेंगे कि पहले हम एक टाइटल एक टॉपिक को कर लेंगे और उस टाइटल के बारे में जो केस लिया है उसके बारे में संक्षिप्त परिचय लिख देना है, भूमिका कि उसमें से आपका नीड एंड इन पाने मुश्किल से एक पेज में आपका सब कुछ आ जाए। इसी में से आप बल्कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, जो आपने आपसे चर्चा करके प्रतिवेदन रिपोर्ट राइटिंग क्यों आवश्यक है, जितनी भी केस स्टडी है आपके केस से रिलेटेड है उनका अध्ययन कोट कर या कि 1985 सच एंड सच, 1967 सच एंड सच, इसने ये किया ये पाया, ये कुछ रिफ्लेक्ट कर। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, आपकी ऑब्जेक्टिव 2, 3, 5, 1 जो भी आप ऑब्जेक्टिव लिख दें, बहुत लिखना ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, हाइपोथेसिस 1-2 बनाए, उसे यहाँ पर बहुत जरूरत भी नहीं है, डिस्क्रिप्टिव टाइप के रिसर्च में हाइपोथेसिस की मेनली जरूरत नहीं होती, फिर भी हमें अगर एजम्पशंस के रूप में हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं वो भी अच्छी बात है, और यहाँ पर उल्लेख कर देना हाइपोथेसिस SIS, अगर आप प्लूरल फॉर्म में कई लिखते हैं तो SIS, ये लिखने में भी बहुत ध्यान रखना है। मैं ये चीजें आपसे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि इन चीजों को हम लोग बच्चों के सामने, अपने टीचर के सामने, अपने जो टीचर स्टूडेंट्स हैं उनके सामने नहीं करते और वो छोटी छोटी गलतियां चलती। आपको मैं एक केस स्टडी का बताऊं कि बी एड स्टूडेंट्स को जब हमने देखा कई कॉपियां इनकी जब वाइवा के लिए जाते हैं तो देखा कि उनमें से बीएड सही सही नहीं लिख पाते। अब ये एक्शन रिसर्च का विषय है, केस स्टडी का विषय है, अगर वाइडर सेंस में आप लिखते हैं
तो आप बच्चों को ये कौन बताएगा? हमारे टीचर जब वो प्रॉब्लम को साल, हम सोचते अरे छोटी समस्या है, कहाँ से छोटी छोटी समस्याएं हैं, आंख में वो किरकिरी की तरह आपको कष्ट देने लगती है। जब आप में परफेक्शन आता आप समझने लगते हैं अरे छोटी छोटी गलतियां। अब पीएचडी की थीसिस देखते हैं कि बहुत सी गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं। अब वो करते हैं कि नहीं सर ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो, जो गलती होगी वो आपकी गलती मानी जाएगी, इसमें हमने नहीं टाइप किया फिर भी गलती अपनी मानी जाएगी। इसलिए एक एक चीज को बारीकी से अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है और रिपोर्ट राइटिंग में विशेष रूप से सब कमियों को बारीकियों को देखना जरूरी है। इसलिए कि छोटी छोटी जो स्टडी करें तो आप हाइपोथेसिस कैसे लिखते हैं, हाइपोथेसिस क्या है उसमें दें परिकल्पना, परिकल्पनाएं, फिर इसके बाद शोध की विधि। शोध की विधि जो केस स्टडी में आपको बंधु ये बताना चाहेंगे कि ये विधि भी है और प्रविधि भी है, मतलब मेथड्स भी है मेथोडोलॉजी भी है। तो ये तो उसमें है कि केस स्टडी हम इसका कर रहे हैं, पहले ही लिख दिए यहाँ लिखे यहाँ ना लिखे। फिर इसके बाद होता है डाटा कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा के जितने भी सोर्स हमने बताए हैं तो आपका टॉपिक कैसा उस टॉपिक के अनुसार आपको अपने डाटा का कलेक्शन करना है। और डाटा कलेक्शन के बाद आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस में से आप जो जो चीजों को देखे हैं उनका आपको यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, चाहे आप रिसर्च पेपर करें, चाहे डिसर्टेशन लिखें, चाहे थीसिस लिखें, हर में से वो आएंगी। तो इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो हम एनालिसिस करते हैं यहाँ कुछ भी नया आप कंटेंट एनालिसिस को ध्यान में रखें ना, तो हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको ध्यान रखें कि हम एनालिसिस थेमेटिक एनालिसिस कर रहे हैं। हम ये करें कि थीम जो जो बिंदु हमने उसमें लिया है, जिसको हमने गहराई में देखा है, क्योंकि इसमें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तीन चीजों का, इसमें डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी होती है, एक्सप्लोरेशन होता है और एक्सप्लेनेशन होता है। इन चीजों को हमने जो लिखा है तो उनके मुख्य मुख्य बिंदुओं को हम ये हाईलाइट करेंगे एनालिसिस में, और इंटरप्रिटेशन में लिखे जाते हैं कि ये पाया गया और इसका कारण ये हो सकता है। और फिर बाद में आपका कंक्लूजन एंड सजेशन, कंक्लूजन में आपने जो पाया उसके बारे में लिख दीजिए, आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं उसमें लिख दें। और रेफरेंसेस, ये विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि हम रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए काम करें। रेफरेंस कैसे हो कि जब रिसर्च पेपर हम रेफरेंस देंगे, जब थीसिस लिखेंगे, डिजर्टेशन लिखेंगे, वो बिब्लियोग्राफी होगा। रेफरेंस का ये मतलब होता है कि जिस भी चीज का हम अपने इस कंटेंट को लिखने के लिए पढ़ने के लिए पूरा का पूरा उपयोग किया है। और जो बिब्लियोग्राफी है उसमें ये अंतर होता है कि हमने पढ़ा है लेकिन इस रिपोर्ट को लिखने में हर जगह इसका उपयोग नहीं किया, तो इसमें रेफरेंस भी है और अन्य पढ़ी हुई चीजें, इसलिए इसको वाइडर सेंस में बिब्लियोग्राफी कहते हैं। और अब आपने वेबिनार शब्द जैसे उपयोग किया है, इसी प्रकार से बिब्लियोग्राफी भी आती है। वेबसाइट से जो भी आपने अध्ययन किया है उसको बिब्लियोग्राफी भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये रेफरेंसेस हुआ। अब दूसरा बिंदु है आपका समय है, और उसके संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर डिजर्टेशन लिखना है, अब हम यहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे कि जो इंडियन कंटेंट हम थीसिस को बड़ा मानते हैं और थीसिस पीएचडी लेवल का, और जो डिजर्टेशन है वो एमएड और एमफिल लेवल का मानते हैं, लेकिन फॉरेन में जस्ट उल्टा है, वहाँ पर डिजर्टेशन ही कहते हैं आपको पीएचडी लेवल की थीसिस को जो आप कहते हैं और वो थीसिस, तो ये अपनी टर्मिनोलॉजी है। लेकिन हम इंडियन कॉन्टेस्ट में जो इंडिया में करते हैं कि डिजर्टेशन एमएड और एमफिल के लिए और थीसिस जो है पीएचडी लेवल, अब इनके लिए थोड़ा सा उन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या है। तीन भाग इसमें हम आपसे बताया कि जो प्रतिवेदन है, प्रारंभिक प्लीनरी सेक्शन, फिर मेन बॉडी और फिर बिब्लियोग्राफी एवं डायसिस। और इसमें से प्रिलिमिनरी सेक्शन जो इसका है, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए डिजर्टेशन और थीसिस दोनों में। टाइटल पेज होना चाहिए जो सब आप ऊपर रखते हैं, किसी भी थीसिस या डिजर्टेशन को देखेंगे जैसा यूनिवर्सिटी में है उस प्रकार से आप कर ले, अपने यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हैं। फिर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होती है, ये अनिवार्य है। डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, मतलब आपके द्वारा ही किया जाता है कि मैंने ये स्वयं शोध कार्य किया है और कहीं से भी हमने अलग से इसका उपयोग नहीं किया, और जो चीज भी लिया है उसको हमने यहाँ पर रिपोर्टिंग दिया है, इसका एक डिक्लेरेशन फॉर्म छपा छपा यूनिवर्सिटी का होता है, उसी को इसमें से आपको लगाना है। एक्नॉलेजमेंट, जो जो आपको इसमें सहयोग दिए हैं उनको, जैसे अभी हम लोग करते हैं, ये हमारी इंडियन कल्चर भी है।
टेबल ऑफ कंटेंट, विषय सूची, लिस्ट ऑफ टेबल, जो भी टेबल आप यूज कर रहे हैं एनालिसिस में वहां पर लिखेंगे, लिस्ट ऑफ फिगर्स, ये हमने यूनिवर्सल बनाया है किसी भी प्रकार का, चाहे आपका ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो, केस स्टडी हो, या आपका हिस्टोरिकल रिसर्च हो, आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो, हर में इसका उपयोग आप कर सकते हैं। और एब्रीविएशंस यूज्ड, जो आप अपने थीसिस या डिजर्टेशन के अंदर हैं तो उसको पहले से ही एब्रीविएशन भी दे सकते हैं। मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, इसमें इंट्रोडक्शन, भूमिका, परिचय, जो भी शब्द हिंदी में आप इसको दे रहे हैं, या बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, ये भी कर सकते हैं। इसमें रेशनल देना होता है, स्टेटमेंट, मतलब जो भी आप नीड एंड इम्पोर्टेंस देंगे, मतलब अपने प्रॉब्लम को लाने के लिए स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम तक, जो आपने ऊपर लिखा है किसके सपोर्ट में, अपने प्रॉब्लम के। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम, पर्पज ऑफ द स्टडी, ये सब चीजें आप फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में देंगे। कहीं कहीं पर जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है तो यहीं पर आपके ऑपरेशनल डिफिनेशंस यूज, जो जो टर्म्स आपके प्रॉब्लम आए हैं वहां भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पर लास्ट में भी लिख देते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार भी कर सकते हैं। कोई इसमें से ऐसा रूल नहीं कि यहाँ पर आपने लिखा गलत कर दिया, लेकिन ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट में हम क्या रख सकते हैं, इन चीजों का समावेश होना चाहिए, और इन चीजों को पहले रखेंगे, फिर जब आपने नीड एंड इम्पोर्टेंस को प्रतिपादित किए हुए करते हुए स्टेटमेंट देते हुए आपने कर दिया, तब फिर आता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, क्या क्या आपके उद्देश्य है स्टडी के करने के लिए, फिर आपके हाइपोथेसिस आएंगे, फिर डिलिमिटेशन, आपके पूरे के पूरे बच्चे जितने मंद बुद्धि वाले नहीं, जितने चोरी करने वाले, आप अपने विद्यालय में पर्टिकुलर कर रहे हैं, अपने कॉलेज का पर्टिकुलर कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का कर रहे हैं, तो ये डिलिमिटेशन की यहीं तक सीमित रहेगा। डिफिनीशन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जैसे इसमें हमने यहाँ पर डाला हुआ है, आप वहाँ भर इसको शिफ्ट कर सकते। फिर है दूसरा जो चैप्टर में लिखते हैं, मतलब ये डिजर्टेशन और थीसिस दोनों के लिए हम लोगों ने एक चैप्टर, आप हर यूनिवर्सिटी के भी अलग अलग आप देख सकते हैं, और लगभग यही रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर और एनालिसिस ऑफ प्रीवियस रिसर्च, कुछ भी सकते पूर्व साहित्य का अध्ययन, और इसके अंतर्गत हम इंडियन उसमें देखते हैं कि प्रॉस्पेक्टिव में जो हम ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कार्य होते हैं, बियॉन्ड मतलब इंडिया के अतिरिक्त भी जो इस प्रकार की स्टडी, यहाँ केस स्टडी की बात है तो इस संबंध की केस स्टडी फॉरेन में कितनी हुई, केस स्टडी हमारे इंडिया में कितनी हुई, इनका उल्लेख करते हुए अगर हम डिजर्टेशन लिख रहे हैं तो 5 पेज 10 पेज 2 पेज भी पर्याप्त है, लेकिन जो भी स्टडी कोट करेंगे उसमें मेन रूप से कि इन्होंने इस टॉपिक पर काम किया, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था, इनका ये मेन फाइंडिंग्स थी, ये जरूर देना है। और फिर इसके बाद कंक्लूजन देंगे कि ओवरऑल हमने जितनी ये स्टडी की, ये हमारी स्टडी को इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। चूंकि ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर इतना आवश्यक होता है कि आपको ऊपर इंट्रोडक्शन लिखने में भी मदद कर रहा है, ऑब्जेक्टिव बनाने में भी मदद कर रहा है, हाइपोथेसिस में भी कर रहा है, डिलिमिट करने के लिए, इसके क्या इंपॉर्टेंस है आप सब लोगों ने पढ़ा होगा जो अपने रिसर्च की क्लास। डिजाइन ऑफ द स्टडी, इसी को मेथोडोलॉजी भी कह सकते हैं। प्रोसीजर्स यूज कौन कौन से हैं, पॉपुलेशन एंड सैंपल, लेकिन इसमें जो सैंपल होता है हम केस स्टडी के उसमें से कहेंगे, तो पॉपुलेशन और सैंपल दोनों समान है, और इसका जो सैंपल होता है परपजिव सैंपल होता है, उद्देश्यपूर्ण इसको सैंपल कह सकते हैं, कि जो हमारा उद्देश्य है, चाहे क्लाइंट एक, इसमें हमारी च्वाइस नहीं होती कि हम इसमें रेंडम कर सकें, इसलिए सिंपल का है। सोर्सेस ऑफ डाटा से आपसे चर्चा कर दिया कौन कौन से हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ टूल्स जो डाटा कलेक्शन के लिए हम उपकरण बनाते हैं, इसमें हमारी क्या होती है, एक प्रकार की आप रिजर्वेशन शेड्यूल है, दूसरा हमारा क्या होगा इंटरव्यू शेड्यूल हम बना सकते हैं, ऑडियो विजुअल भी हम इसका वो डाटा कलेक्शन के लिए कर सकते हैं, इसमें से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी देख सकते हैं, डायरी देख सकते हैं, जितने भी संसाधन आपने सोर्सेस पढ़ा है उनका उपयोग जिनकी जहां जरूरत हो। फिर मेथड्स ऑफ गैदरिंग डाटा या कलेक्शन ऑफ डाटा हम कैसे करेंगे, तो ये तो फेस टू फेस आप जो रिसर्चर है और अपने साथियों को जो आपने किया, अपने टीचिंग स्टाफ के जो सदस्य हैं उनको भी अलग अलग जगह भेज कर किया है, उसमें से करें टूल्स एंड टेक्निक, उपकरण और तकनीकी, मतलब जो आप प्रक्रिया कर रहे हैं। मैं फिर है स्टेटिकल टेक्निक्स यूज, कौन सी स्टेटिक्स यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की स्टेटिक्स नहीं यूज होती, चूंकि हमने आपको बताया कि ये हर के लिए है, तो ये भी उसमें से दिया गया है।
और अब आपका है एनालिसिस साहब डाटा एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस की बात जो हमने कहा कि केस स्टडी में आएगा, कंटेंट एनालिसिस की बात करते हैं, थीमेटिक एनालिसिस की बात करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये सब का एक रूप से मिश्रण है, हर का हम उपयोग करते हैं। इस तरह से समझें कि जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, जो भी चीजें हमने ऑब्जर्व किया है उनको हम सिस्टमेटिक ढंग से करते जाएं। पहले पॉइंट, फिर दूसरे, फिर तीसरे, लास्ट में कंक्लूजन। तो ये टेक्स्ट, टेबल, फिगर्स अगर कुछ हो सकते हैं तो आप इसमें दे सकते हैं। और यही सबसे आपका कहिए कि ये हार्ट है आपके डिसर्टेशन का, आपके थीसिस का, आपके रिसर्च पे। फिर कंक्लूजन एंड सजेशंस, मेन फाइंडिंग्स आपकी कौन सी आई, इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, जो आप स्टडी किए हैं कहाँ कहाँ के लिए इसकी उपाय देता है। कंक्लूजन, आप सजेशन क्या देना चाहते हैं, आप रिकमेंडेशन क्या करते हैं फर्दर रिसर्च के लिए। तो इसमें रिकमेंडेशन फॉर फर्दर रिसर्च भी कहते हैं, सजेशन फॉर फर्दर स्टडी भी कहते हैं, जहाँ जहाँ भी है आप अपने ढंग से करते। फिर समरी, किन्हीं किन्हीं जगह आप पाएंगे कि समरी एंड कंक्लूजन लिखा होता है, और कहीं कहीं पर केवल सिक्स अध्याय में हम समरी करते। अब यहाँ पर एक बिंदु आपसे हम जरूर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि हर वर्ग के लोग हैं, जनरली एमएड स्टूडेंट में कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट और समरी की चर्चा करेंगे, है बहुत छोटी चीज। एब्स्ट्रैक्ट हम लिखते हैं रिसर्च पेपर, या ये कहें कि समरी का भी शॉर्ट फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट है, इस तरह से आप समझ के करें। और जो कि 100-200 शब्दों से लेकर 400-500 शब्दों तक होता है, और जो समरी होती है डिसर्टेशन और थीसिस की, चैप्टर वाइज जो आपने लिखा है लास्ट तक, उसके संक्षिप्त बिंदुओं का वर्णन करना होता है। तो ये समरी आप ज्यादा से ज्यादा 10-15-20 पेज, बहुत होते हैं 10 पेज में कर सके तो और अच्छा है, एब्स्ट्रैक्ट की तरह बनाए 15 पेज में आ जाए, ये अच्छी। फिर रेफरेंस सेक्शन में आ गया, बिब्लियोग्राफी की अभाव, वहाँ पर आपने चर्चा किया है कि रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी पर आपको अंतर बताया है। अपेंडिक्स एंड अपेंडाइसिस, अगर आप जैसे हमने प्रोफार्मा आपको दिखाया केस स्टडी का, तो उस स्टडी के प्रोफार्मा को आप अलग अपेंडिक्स में डाल सकते हैं, जो एनालिसिस का तरीका आपने अपनाया है उसको अपेंडिक्स में डाल सकते हैं। तो ये जितने भी चीजें, फोटोग्राफ्स आप यदि वहां पर लिए हैं किसी प्रकार के, फोटोग्राफ्स सपोर्ट के लिए डाल सकते हैं। कोई आपने वीडियो बनाया है तो वीडियो का फोटोग्राफी के रूप में कर सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं जब बच्चों को कहीं जरूरत हो। तो ये सब अपेंडिक्स के भाग, तो एक होगा अपेंडिक्स ज्यादा है तो वही प्लूरल फॉर्म में। तो इस प्रकार से साथियों, हमने चूंकि इसका मेन जो टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ अ केस स्टडी रिपोर्ट, तो हम पहले केस स्टडी के बारे में समझें कि क्या है, कि केस स्टडी किसी भी यूनिट का गहराई से अध्ययन करना होता है, उसके सभी पहलुओं का माने सर्वांगीण अध्ययन। फिर इसके बाद हम किस भी प्रकार से करें, इसका मुख्य है कि एक केस स्टडी के लिए हम अपना प्रोफार्मा बना लेते हैं कि किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है, उन उद्देश्यों के द्वारा हम अपना डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा कलेक्शन के बाद एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद अपना रिजल्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये केस स्टडी अपना पूर्ण हुआ। अब आप सबको, आप लोगों ने धैर्य साहस के साथ सुना, विशेष रूप से मैं विश्वविद्यालय को, माननीय कुल सचिव जी को, जो इस के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा है। एक आध बार आपसे चर्चा किया कि मैं डिस्टेंस मोड में ऐसे प्रोग्राम करता भी रहता हूं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस तरह से आज जो इतने भी ट्रेडिशनल कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी इसको ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। और आपके जो भी प्रश्न हो प्लीज आप कर सकते हैं, आप सबके प्रश्न साधारण आमंत्रित है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। आपने केस स्टडी रिपोर्ट के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया, और जिस प्रकार से फॉर्मेट को आपने जिस प्रकार से विश्लेषित किया है वो काफी यूनिक लगा, क्योंकि ये सब बहुत कम देखने को मिलता है। फॉर्मेट तो लोग देख लेते हैं लेकिन उस फॉर्मेट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके बारे में नहीं समझ पाते हैं, और उसमें तमाम तरह की भ्रांतियां, तमाम तरह की गलतफहमियां जो है दिमाग में आती रहती है। तो आपने उन सारे गलतफहमियों को इस व्याख्यान के माध्यम से दूर किया है, मुझे तो काफी अच्छा लगा है और शायद सारे प्रतिभागियों को भी अच्छा लगेगा। जैसा कि आप सभी प्रतिभागीगण जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम जो है क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है,
तो यदि किसी भी प्रतिभागी का कोई क्वेश्चन हो तो आप जूम चैट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दें, और यूट्यूब चैनल से भी हमारे प्रतिभागी जुड़े हुए हैं वो भी वहां अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, वहां से भी हम क्वेश्चन ले लेंगे। और कोई प्रतिभागी यदि ओरली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वहां ओरली क्वेश्चन भी हम रखेंगे। एक प्रतिभागी सर हैं, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्शन रिसर्च एंड केस स्टडी रिपोर्ट। हाँ भैया, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है कि एक्शन रिसर्च केस स्टडी भी दोनों लगभग समान होते हैं, एक सेंस में कि यदि हम एक्शन लेकर के उसकी कमियों को दूर कर दें, क्योंकि एक्शन रिसर्च जो है जो रिसर्चर होता है मैंने जो प्रयोग करता है वही उसका इम्प्लीमेंट भी करता है। यहाँ पर ये आवश्यक नहीं है कि आपने रिसर्च कर दिया और फिर इसके जाकर के इम्प्लीमेंट भी करें, कर भी सकते हैं, यदि आप कर रहे हैं एक्शन ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो इसको विस्तृत रूप से आप दे रहे हैं। दूसरा साथी भी आइट का एक प्रकार है, इसमें ये आवश्यक है कि आप क्लास मतलब चोरी दूर जो फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत आता है। जी हेलो, हाँ जी माफी चाहूंगा सर, म्यूट हो गया था मैं। एक विद्यार्थी है जयकांत जी, वो कहते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल, रेशनल को थोड़ा डिफाइन कर दो। रेशनल का मतलब भैया पृष्ठभूमि से है कि आप किसी भी चीज के बैकग्राउंड के बारे में समझा दे, यो एक परिचय का ही एक प्रकार है कि आप उसके हर पहलुओं को यहाँ पर बताएं, आपका टॉपिक जो है उस टॉपिक से संबंधित जो भी चीजें आपका मन में कैसे आया, क्यों आप करना चाहते हैं, इससे क्या लाभ होने वाला है, क्या लाभ आप सोच रहे हैं, इससे किस आवश्यकता की पूर्ति होगी, ये सब रेशनल के अंतर्गत आते हैं। एक तरह से आप समझ लें कि ये इंट्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन ही है, इंट्रोडक्शन के ये बैकग्राउंड है पृष्ठभूमि। जी थैंक यू वेरी मच सर। एक क्वेश्चन सर हम लेते हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा, मेथड और मेथडोलॉजी में क्या अंतर है सर? मेथड और मेथडोलॉजी बहुत अच्छा, मैं कई बार पीएचडी स्टूडेंट्स को लिए भी दिया करता हूँ क्वेश्चन। और मेथड जो है जैसे डिस्क्रिप्टिव मेथड है ना, आपकी इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड जो कि इसमें से आपका इंडक्टिव मेथड का उपयोग करते हैं, तो ये मेथड हो गए। अब मेथडोलॉजी में अंदर संपूर्ण प्रक्रिया इसमें से आ जाएंगी, आपका पॉपुलेशन एंड सैंपलिंग भी आ जाएगा कि आप कैसे करें, टूल्स एंड टेक्निक्स भी आ जाएंगी, जो भी प्रोसेस आप अपनाते हैं वो प्रक्रिया दैट इज अ मेथडोलॉजी। ओके सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन आ रहा है वैशाली वर्मा जी का, वो कहती हैं सर वेरी नाइस प्रेजेंटेशन रेस्पेक्टेड सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्निक्स एंड टूल्स। टूल्स एंड टेक्निक्स भी इसी तरह से मेथड और मेथडोलॉजी। टूल्स जो हम उपकरण बनाते हैं मैडम, अगर रिसर्च से हम ठीक है सबके लिए बता देते हैं, बीएड स्टूडेंट्स के लिए उपकरण जैसे औजार हैं, कृषि के औजार और जो हमारे लड़ाई के क्षेत्र में आने वाले औजार हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो हम उपयोग कर रहे हैं उसको भी टूल्स कहने लगे हैं। ये उपकरण वास्तव में इंटरव्यू शेड्यूल और क्वेश्चन आयर और जो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स हैं, रेटिंग स्केल्स हैं, ये सबके सब आपके टूल्स कहलाते हैं। और दूसरी टेक्निक्स जो है हम डाटा कलेक्शन के लिए जो जो प्रक्रिया बनाते हैं, जैसे आप ये समझिए कि अपने कॉलेज में हम 4-5 स्टूडेंट्स को लेना है बीएड एमएड के, 4-5 टीचिंग स्टाफ को भी, तो सबके साथ हम एक ट्रेनिंग करेंगे और उस प्रक्रिया को करने के लिए हम साधन के बारे में भी चर्चा करेंगे, अलग अलग हम जगह पर जाएंगे यूनिट का अध्ययन करने, दैट इज ए टेक्निक्स। तो ये जिन जिन माध्यमों का हम उपयोग करते जाएंगे उस डाटा कलेक्शन के लिए उसको हम टेक्निक्स करते हैं, कि हम वीडियो भी बना लिया, केवल प्रपत्र भर लिया, या कि हम जा करके उनसे फेस टू फेस चर्चा करके कर रहे हैं, उनके अभिभावक पेरेंट्स से मिल लेते हैं, ये सब टेक्निक्स के अंदर। टूल्स एंड टेक्निक, टूल्स उपकरण का जो भरने का प्रोफार्मा है और दूसरी टेक्निक जो प्रक्रिया है।
जी मनहर मनहर ओझा जी आप आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप अपना क्वेश्चन रखिए मनहर ओझा जी। गुड इवनिंग सर। जी जी बताए अपना क्वेश्चन पूछे। मेरा क्वेश्चन ये है कि केस स्टडी मेथड में सर आपने एक टेबल के फॉर्म में ये बताया था कि जितने भी साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं जैसे कि एप्टीट्यूड हो गया या बच्चे का और भी बहुत सी चीजें सर, ये चीजें क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड में भी आती हैं सर, केस स्टडी और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में सर क्या है? बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा है, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, उसको क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड से भी कह सकते हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल यू आर क्वाइट राइट। लेकिन यहाँ पर इसलिए कि हमको हर चीजों के लिए अलग अलग चर्चा कर ले, मंद बुद्धि बालक का अध्ययन करना है तो एक चीज का हम अध्ययन कर लेंगे, किसी के अचीवमेंट करना है तो उसका अध्ययन करेंगे, ये हर चीजें वहां पर बता दी गई हैं, उनमें से जहां जिस केस के लिए आपको जो जरूरत है उसी प्रकार का आप उपयोग कर सकते हैं। दैट इज ए कम्युलेटिव रिकॉर्ड। गुड जी, थैंक यू वेरी मच सर। एक क्वेश्चन हमारा आ रहा है सर, सर प्लीज मेक मी क्लियर दैट main body report is differ or same for everyone, I have seen different in master degree। हाँ, question, बहुत बढ़िया। ये main body में अभी आपको शुरू में मैंने चर्चा भी किया था कि हर एक main body वाला का, main body का हर एक उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज का है, अलग अलग पुस्तकों में भी आप अलग अलग पाएंगे। मेन बॉडी के अंतर्गत जैसे हम प्रिलिमिनरी के बाद मेन बॉडी में आएंगे तो इंट्रोडक्शन के लास्ट इसमें से इंट्रोडक्शन भी देंगे जिस टॉपिक को लिया है, तो किसी किसी किताब में आप पाएंगे कि बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी जो भी होगा तो वो मेन बॉडी के अंतर्गत और दूसरा जी कंटिन्यू करें सर, ये देखिए ये जो इंट्रोडक्शन के मेन बॉडी के अंतर्गत आपका इंट्रोडक्शन भर ही लिख करके आप कर दें, जिनमें मुख्य रूप से देना होता है। आप किसी की किताब में पाएंगे कि इंट्रोडक्शन रेशनल दे दिया जाता है और किसी किसी किताब में सेकंड चैप्टर में रिव्यू दे दिया जाता है, थर्ड चैप्टर में दे दिया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, वहीं पर आप ऑब्जेक्टिव पाएंगे, हाइपोथेसिस पाएंगे। लेकिन अब एक समझ लीजिए कि यूनिवर्सल रूप में आप फॉरेन की भी स्टडी यदि पढ़ें देखें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, इग्नूक में भी देखें, तो उसमें से एक चीज आती है कि ये इंट्रोडक्शन में आप इन इन चीजों को देख दें कि आप प्रॉब्लम जो ले रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर दें, सिग्निफिकेंस उसका बता दें, ऑब्जेक्टिव बता दें, वहीं पर हाइपोथेसिस बता दें, वहीं पर उसका लिमिटेशन या डिलिमिटेशन बता दें, जो आप उसमें प्रॉब्लम ले रहे हैं उसको आप डिस्क्राइब कर दें। फिर सेकंड चैप्टर में रिव्यू के बारे में, कहीं कहीं पर फर्स्ट चैप्टर के साथ ही रिव्यू ऑफ लिटरेचर आ जाता है, इसलिए आप ये कभी न माने कि ये मैंने लिखते समय और समय डिस्कस भी किया कि इसको फाइनल न माने। जो यूनिवर्सिटी कुछ होती है कि उसकी आरडीसी की कमेटी जो होती है कुछ फॉर्मेट भी देती है कि हमको अपने यूनिवर्सिटी का इसी फॉर्मेट में लेना है, लेकिन ये कोई इसका हार्ड फास्ट नहीं है। एक बात जरूर है, आप ये समझ के चलिए कि आप किसी भी चर्चा में जब आगे बढ़ेंगे तो उसके इंट्रोडक्शन को बताना भी होगा, यानी एक फर्स्ट सीढ़ी को आप चढ़ेंगे तब जा करके लास्ट सीढ़ी में पहुंचेंगे। दूसरे से तीसरी में पैर रख सकते हैं लेकिन पहली से पांचवी में जाना इस ढंग से समझें कि किसी भी हम टॉपिक का जो हम प्रॉब्लम ले रहे हैं उसके बारे में हमको उसके परिचय जरूर बताना है, परिचय उसके होते हैं आवश्यकता और महत्व को प्रतिपादित करना, और जो समस्या ले रहे हैं उस समस्या को प्रतिपादित करना, फिर उसकी समस्या के लेने का क्या कारण है, ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्ट समस्या ही एक आपकी ऑब्जेक्टिव है और उसके छोटे 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 जो हम तो ऑब्जेक्टिव कई हो गई जो अध्ययन करने की सुविधा, और तीसरी है डिजाइन ऑफ द स्टडी, कहीं पाएंगे थर्ड चैप्टर में कहीं पर मेथोडोलॉजी लिखा हुआ पाएंगे, तो उस चीजों के बारे में यहाँ पर हम कर देते हैं कि इसमें सैंपल भी आपका आ गया, पॉपुलेशन भी डिफाइन कर देते हैं, टूल्स टेक्निक्स के बारे में दे देते हैं,
और प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन के बारे में बता देते हैं, ये भी बता देते हैं कि यदि हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते कि स्टेटिक्स कौन यूज करेंगे, यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस। अब फोर्थ चैप्टर को आप ये भी मानिए कि केवल पांच में है, इसको आप तीन भी सब चैप्टर दे सकते हैं कंटिन्यू करके, कि आपने कई बिंदुओं को लिया तो पारिवारिक वातावरण को एक में दे दिया, एक में सामाजिक वातावरण को दे दिया, एक में आर्थिक वातावरण दे दिया, तीन चैप्टर भी बना सकते हैं। इसलिए इसके लिए कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं कि ये जो दे दिया। सामान्यतया जो डिजर्टेशन लिखे जाते हैं और अपने इंडिया में और जो थीसिस लिखी जा रही है उसके लिए ये प्रोसेस, जैसे डिजाइन ऑफ द स्टडी हमने लिखा, मेथोडोलॉजी भी लिखा आपको मिलेगा, और एनालिसिस वाला जो फोर्थ चैप्टर है तो इसके ऊपर चर्चा किया, और फिर लास्ट में आपको फाइंडिंग्स देना है, कहीं पर कंक्लूजन सजेशन लिखा है, कहीं पर कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन लिखा है, किसी में कंक्लूजन एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखा है, जो कुछ भी है। तो मेन बॉडी के अंतर्गत है कि आपने जो रिसर्च किया उसका प्रॉब्लम और उसकी ऑब्जेक्टिव, इसकी हाइपोथेसिस रिव्यू करना, प्रोसेस करना, एनालिसिस करना और कंक्लूजन, ये आपके उसमें आते हैं। तो जहां से जो आपकी यूनिवर्सिटी जो भी प्रोफार्मा अलाउ करती कर सकते हैं, चीज सब एक ही है, नाम अलग अलग आ जाते हैं। जी जी, थैंक यू वेरी मच सर। मनहर ओझा जी, आप एक बार अपना क्वेश्चन फिर से दोबारा पूछ लें, क्योंकि आपका ऑडियो कट हो गया था, एक बार आप फिर से ओरली पूछे। मनहर ओझा जी, जी मनहर ओझा जी को अनम्यूट करें। मनहर जी आप अपना क्वेश्चन रखें। सर मेरा ये डाउट था सर कि क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड और इसमें डिफरेंस क्या है सर, केस स्टडी मेथड में, सर थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड बेटा ये जो केस स्टडी का एक प्रकार का वो डॉक्यूमेंट्स है, या ये उसको कहे कि एक प्रकार का वो टूल्स है जिसके माध्यम से आप डाटा को लेते हैं, और केस स्टडी किसी भी प्रकार का केस है, जैसे केस के रूप में आप ये बालक को लिया कि समस्यात्मक बालक है, अनुशासित बालक है, अनुशासनहीन बालक है, या कि एक बहुत अच्छी संस्था है या बहुत खराब संस्था है, तो ये जो आप यूनिट के रूप में आप केस को चूज किया है वो केस स्टडी है, और उसके अंतर्गत वो डॉक्यूमेंट्स आपका समाहित है। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड टूल उसी के अंतर्गत, हाँ वो एक एज ए टूल्स वो करते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, जैसे डायरी है, लेटर्स हैं, है ना, गवर्नमेंट के अन्य रिकॉर्ड हैं, ऑफिशियल और रिकॉर्ड भी उसमें हो सकते हैं, एनेक्टोडल रिकॉर्ड भी हो सकता है बच्चे का, आपने क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एनेक्टोडल भी बता सकते हैं। तो ये जो जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो एक प्रकार के रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड शब्द है, मान लीजिए कोई ये दस्तावेज है और उस दस्तावेज के माध्यम से हम स्टडी कर रहे हैं, तो जो स्टडी कर रहे हैं वो क्लियर। जी क्लियर जी। एक है मिथिलानंद झा, मिथिलानंद झा जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, काइंडली आप अपना क्वेश्चन रखें। मिथिलानंद झा, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर जी, आप अपना क्वेश्चन रखें। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि ये जो केस स्टडी है सर, तो ये हम पेरेंट्स से जाते हैं कि बच्चे से पूछने के लिए कि बताइए इसका पास्ट कैसा है, तो सर इसको हम कितना विश्वसनीयता रख सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो झूठ भी बोल सकते हैं ना। ये इसीलिए बेटा ये सब्जेक्टिव रिसर्च होता, सब्जेक्टिव रिसर्च होता है, वॉइस्ड रिसर्च होता है, इसमें मान लीजिए हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है तो हम उनके अच्छाइयों को ही रखेंगे और कमियों को हम ना हाईलाइट करेंगे, लेकिन ये पेरेंट्स भी हैं, इसीलिए इसकी ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए हम पेरेंट्स से भी पूछेंगे, पड़ोसियों से भी पूछेंगे, उनके टीचर से भी पूछेंगे, एक ही चीजों को, इसलिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंतर्गत इसको रखा गया, एक चीज को हम कई जगह से विश्वस्त कर रहे हैं, और जो आपका आपके पड़ोसी राज्य की जो इस समय पर स्टडी कर रही है पुलिस, वो इस प्रकार की एक स्टडी है केस स्टडी में, तो ये विभिन्न डायमेंशन से एक ही बात को समझना चाहते, तो पेरेंट्स मान लीजिए नहीं बताए, माता पिता छिपाते हैं, तो पड़ोसी बता सकता है, कभी देखा, उसके सहपाठी बता सकते हैं, उसके सहपाठी के माध्यम से मिल जाएगा, और आप अगर टीचर हैं तो फिर अपने अन्य टीचर से भी पूछ सकते हैं, और बच्चों के वो जो साथी हैं उसके क्लासमेट वो बता सकते हैं, ये विभिन्न स्रोत हैं, मतलब एक को ही हमें न माने, इसीलिए ये जो रिसर्च है वो सब्जेक्टिव नेचर का। यस सर, ठीक सर, थैंक यू सर।
विनोद कुमार जी, विनोद कुमार जी आप हैं, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप अपना क्वेश्चन रखें। विनोद कुमार जी, विनोद कुमार जी आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? विनोद कुमार जी सर, हाँ पूछे, अपना क्वेश्चन रखे विनोद जी। जी जी विनोद कुमार जी बताएं। सर मेरा क्वेश्चन यही है। हाँ कि सर कि कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स और ये केस स्टडी में क्या अंतर है? कम्युलेटिव रिकॉर्ड और केस स्टडी में, केस स्टडी, यस सर। अच्छा इसमें क्या अंतर है? आप विद्यालय में काम कर रहे हैं विनोद जी? जी सर। अच्छा और किस कक्षा को पढ़ा रहे हैं? नहीं सर अभी हम बीएड स्टूडेंट हैं सर। बीएड स्टूडेंट हैं। आप ग्रेजुएशन किया होगा कि पीजी भी किया होगा? सिर्फ अभी ग्रेजुएशन किए हैं सर। ग्रेजुएशन, ठीक। आप मान लीजिए कि एक केस है आपका अध्ययन करने के लिए, आपके बीए में पढ़ाने वाले टीचर जाकर के आपके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप केस स्टडी हो गए और आपके बारे में जो कॉलेज में रिकॉर्ड है उसको देखना, विभिन्न बाब को करिकुलर एक्टिविटीज में भी आप भाग लेते रहे होंगे, आप स्पोर्ट्स गेम में भी भाग लेते रहे, हो सकता है आप एनसीसी एनएसएस में भी भाग लिया होगा। मेरी बात समझ रही है? तो ये सब जो है वो कम्युलेटिव रिकॉर्ड में आ गया, ये दस्तावेज के अंदर, और आप जो व्यक्ति हैं वो केस स्टडी के अंदर आ गए। मे आई क्वाइट राइट? क्लियर? ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन सर ये इनका आया है सर, एक बार केस स्टडी का थोड़ा फॉर्मेट संक्षिप्त में सर एक्सप्लेन कर दें, जो फॉर्मेट में जो आपने मेन मेन जो फीचर्स डिफाइन किए हैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। फॉर्मेट दिखाना कि बता भर दें कि क्या क्या चीजें बता दें। अच्छा जी जी, देखिए इस फॉर्मेट के अंतर्गत ये कोई आपको पहले बताया था कि कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं है, एक ये फॉर्मेट है, बाजार में बहुत से फॉर्मेट उपलब्ध हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार उस फॉर्मेट का उपयोग कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको रिफाइन कर सकते हैं। इसमें जो चीजें केस स्टडी में मुख्य रूप से ली जाती है कि नेचर ऑफ स्टडी, आप बच्चे के किस डायमेंशन का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें व्यक्तिगत इतिहास आता है, केस हिस्ट्री। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी में केस स्टडी मेथड भी है, साइकोलॉजी मेथड में और केस हिस्ट्री मेथड और डायग्नोस्टिक मेथड भी। तो जो डायग्नोस्टिक मेथड केस हिस्ट्री मेथड है, दोनों की दोनों केस स्टडी में आ जाती है। तो इसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत इतिहास कैंडिडेट का जानना चाहते हैं कि इसकी केस हिस्ट्री क्या है, स्टडी के अंतर्गत हिस्ट्री, और फिर शैक्षिक पृष्ठभूमि एजुकेशनल बैकग्राउंड इसका क्या है, पारिवारिक इतिहास इसके फैमिली हिस्ट्री क्या है, परिवार के माता पिता भाई बहन और पेरेंटल मैटरनल दोनों को दे सकते हैं, मामा का एक पक्ष का भी, पिता के पक्ष का भाई, मतलब ये पूरा इतिहास का अगर आप अध्ययन करते हैं तो ये आ जाएगा। फिर परिवार की सामाजिक स्थिति क्या है, समाज वो कैसा है, किस वातावरण में वो रह रहा है, आर्थिक स्थिति क्या है, बालक की योग्यताएं क्या है, जो जिस कक्षा का आप अध्ययन कर रहे हैं वो उसमें क्या स्थिति है, तथा शिक्षा हेतु सुविधाएं उसको उपलब्ध है या नहीं, व्यक्तित्व की भी विशेषताएं, और जो आप इसके डॉक्यूमेंट्स के क्या रहे हैं अभी कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स के बारे में देखना, उनके अलग अलग डायमेंशन को देखना है, तो ये कहा है जिसके अंतर्गत आपकी डायरी भी आएंगी, लेटर्स भी आएंगे, अन्य प्रमाण जो है, कुछ आपकी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी, इन सब का भी हम अध्ययन करते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया कि केस के नेचर, जिस प्रकार का आप केस का अध्ययन कर रहे हैं, एक संस्था का कर रहे हैं तो संस्था का होगा, जैसे इसके अंतर्गत कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी जाएंगी, एक व्यक्ति का होगा या एक समाज का होगा, समाज के लिए अलग बन जाएगा, और एक जाति का होगा, जाति के लिए अलग बन जाएगा। तो इस प्रकार से जिस प्रकार का आपका टॉपिक होगा उसी के अनुसार इस प्रोफार्मा को हम मॉडिफाई कर लेंगे। क्लियर? यस सर। जी सर, एक क्वेश्चन आ रहा है कि चूंकि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है हाइपोथेसिस,
तो एक स्टूडेंट है के सुनील, के सुनील उनका नाम है, ये कर्नाटक से है। इनका ये पूछना है कि सर थोड़ा सा आप हाइपोथेसिस को आप अपने शब्दों में रखें। ये हाइपोथेसिस उनको मालूम है, वही मैं भी बता रहा हूँ। अगर वो बीएड स्टूडेंट हैं तो हो सकता है डीपली नहीं अध्ययन का होगा। ये पूर्व अनुमान होते हैं किसी भी चीज के, जैसे बेसिक एजम्पशन की बात, तो हम एक अनुमान को लगा करके हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर उस हाइपोथेसिस के विभिन्न माध्यम जो हम टूल्स टेक्निक्स के माध्यम से टेस्ट करने का प्रयास करते हैं। इसमें हम बताया था कि ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, केस स्टडी है, इसमें हाइपोथेसिस की आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं पर लिखी हुई मिलती है, इसलिए भी यहाँ हमने इसको भी हाईलाइट किया। और ये मुख्य रूप से पूर्व अनुमान है, ये हम कल्पना करते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, और इसीलिए इसको हम नल फॉर्म में लिखते हैं, न्यूट्रल होकर करते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इसको पूर्व अनुमान माना जाए। जी थैंक यू वेरी मच। एक है खुशबू कुमारी लिखती है, सर कैन आई यूज केस स्टडी एंड नैरेटिव इंक्वायरी मेथोडोलॉजी टुगेदर? बिल्कुल नरेशन, चूंकि जब हम किसी के बारे में लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो दोनों साथ साथ हो सकती है। जैसे इंडक्टिव मेथड का भी उपयोग हम कर रहे हैं, मेथड से भी एक है, डिस्क्रिप्टिव मेथड का तो प्रकार है ही है, तो कई विधियां कई बार आ जाती हैं, तो बिल्कुल उपयोग किया जा सकता है। नरेटिव्स का तो यूज करते ही है। जी एक क्वेश्चन सर, आप अपने हिसाब से ही बता दें, क्योंकि एक कंफ्यूजन बच्चों को होता है, उन्होंने पूछा है नेहा कुमारी, इनका ये क्वेश्चन है कि सर जब हम किसी फाइल लाइक एक्शन रिसर्च लाइक केस स्टडी एटसेट्रा की बात करते हैं, अलग 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 टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, समटाइम्स इज मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इस कंफ्यूजन को हम प्रशिक्षु कैसे दूर करें? हाँ बेटा, ये बीएड के हैं, आपने बहुत अच्छी बात किया। मैंने टीचर्स ट्रेनिंग की अपने स्टेट में, टीचर्स ट्रेनिंग की जो कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के गवर्नमेंट टीचर एजुकेटर हैं, और उनमें भी ये कमियां पाई है। बहुत अच्छी बात इन्होंने किया, ये छोटी छोटी गलतियां हैं। एक्शन रिसर्च बेटा, क्लासरूम में किसी भी समस्या को आइडेंटिफाई करना और उसके सुधार तक जाना। अगर आपने किसी भी बच्चे में देखा कि बर्तनी संबंधी अशुद्धि है, तो आप बार बार उसको प्रयास करके उस बर्तनी अशुद्धि को दूर कर देते हैं, और जब तक आप दूर नहीं करते तब तक उसमें लगे रहते हैं। अगर दूर नहीं हुई तो एक्शन रिसर्च कंप्लीट नहीं। क्लियर हुआ? तो इसलिए ये अगर इन दोनों में अंतर वो होता हो तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। केस स्टडी जो है, ये केस का एक अध्ययन है, वो भी वही चीज है। अगर आप दूर कर देते हैं कि दोनों एक समान भी हो जाती, लेकिन उसमें प्रोफार्मा दोनों के अलग हैं, और हर एक किताबों में आपने अगर पढ़ा होगा फॉरेन राइटर की लिखे किताबों में, तो उसमें फॉर्मेट है, एक्शन रिसर्च का अलग होगा, स्टेप्स अलग दिए होंगे, और यहाँ तो आपके इतने ज्यादा एक्शन रिसर्च के डले, आपने देखा होगा कि बहुत से आपके यूट्यूब में भी लिखे हैं, और एकाक बार किसी ने मुझे सुनाया, एकाक स्टूडेंट्स ला करके रिसर्च के बारे में वो भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपके क्षेत्र में जो पुस्तकें दी रही हैं, आपके टीचर ने जो बताया है, उसके माध्यम से आप उसको कर सकते हैं। आप बेटा ये तो जरूर समझिए कि ये एक्शन रिसर्च केवल हम सुधार के लिए कर रहे हैं, तो जो हम आइडेंटिफाई करेंगे उसके टॉपिक को, उसके बारे में हम एक्शन रिसर्च का एक एक्शन जो हाइपोथेसिस एक्शनेबल बनाएंगे, फिर उसके हम प्लान बनाएंगे, प्लान के बाद फिर हम उसमें गतिविधियां करेंगे, गतिविधियां के बाद रिजल्ट निकालेंगे। जैसे एक आपको मैं उदाहरण बताता हूँ, एक्शन रिसर्च शायद हो जाए कि, और एक एक्शन रिसर्च एक टीचर का हो सकता है, दूसरे के लिए आवश्यकता आवश्यक नहीं कि हो, इसलिए जनरलाइज हो सकता, तो अलग अलग फॉर्मेट आपको मिल सकते हैं। तो आपका समय भी है नहीं, मैं एक उदाहरण आपको बताने चाह रहा हूँ कि एक विद्यालय करें, कोई दिक्कत नहीं, एक विद्यालय है और जो झंगी बस्ती है और वो शहर में है,
लेकिन ये गांव के लिए रिसर्च। तो उस विद्यालय के बच्चे 11 बजे पहुंचते थे, टीचर ने देखा कि क्या कारण है, कुछ दो चार बच्चे आ जाते थे। जब उसने पता लगाया और देखा कि बच्चों के यहाँ 10:30 बजे से पानी आता है और वो जाकर के सब बच्चे पानी भराने में मदद है, किसके पेरेंट्स जो है दो चार के छोड़ दिए। और जब टीचर ने जाकर के देखा कि विद्यालय को हम यदि 11 बजे कर देंगे तो सभी बच्चे आ जाते हैं, और वो करके गवर्नमेंट को सूचना दे दी और उसका विद्यालय 11 बजे सबके सब एक दो को छोड़कर आ जाने लगे। दैट इज एक्शन रिसर्च। मतलब हम उसमें समस्या को आइडेंटिफाई किया, समस्या के संभावित कारण को देखा और उसको दूर करने का प्रयास किया, हमारी समस्या, दैट इज एक्शन। तो इस प्रकार के आप स्टेप बेटा अपने से भी बना सकते हैं, ये आप ना मानिए, आप बना करके दे दीजिए, आपके सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए, लिख जाए कि कुमारी क्या ये है डिस्क्राइब किया है, यही आपका फॉर्मेट हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने क्वेश्चन की इतनी सुंदर से तरीके से समझाया है कि एकदम जैसे लग रहा है कि एकदम सब कुछ समझ में आ जा रहा है सर हमको, खासतौर पर मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। एक क्वेश्चन यश वर्मा जी से लेते हैं। यश वर्मा जी आप अपना माइक म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। यश वर्मा जी, हाँ हेलो सर। जी बोले। जी सर, सर अभी आपने कहा कि कंफ्यूज नहीं, मैंने मेरा कितना सारा क्वेश्चन था उसका आंसर आप दे चुके हैं, पर अभी भी एक क्वेश्चन है सर। जी बोले। हम लोग अलग अलग लोग अलग अलग हाइपोथेसिस के साथ केस स्टडी बनाते हैं, ठीक है, तो मे बी रिजल्ट स्लाइटली डिफरेंट आ सकता है, तो हम लोग कैसे जानेंगे किस केस स्टडी को ज्यादा, मैंने वो ज्यादा अच्छे तरीके से बनाया गया है, या उसकी क्वालिटी को कैसे पहचानेंगे, या कैसे जानेंगे कि कौन सा ज्यादा आपका। बहुत अच्छा आपने, देखिए भैया यही है जिज्ञासा, सद्यावान लभते ज्ञानम। एक आपको मैं बताता हूँ, गीता के 18वें अध्याय का 14वां श्लोक, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम चा पृथक विधम विविधा पृथक ज्येष्ठा दैवम चैवात्र पंचमम। आप कभी ये ना मानिए कि जो आप बार बार पूछे, मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि कोई प्रश्न पूछने वाला हो। आप किसी भी की योजना बनाए, विभिन्न प्रकार के काम करने का प्रयास करें, और जब आप सब प्रयास करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा, आपका कार्य सिद्ध होगा। अब आपने जो प्रश्न का उत्तर जानना चाहा कि एक ही बच्चे का अध्ययन किया, तो हमको, हमने आपको एग्जेम्पशन किया, आपका अब हम गांव का नाम जानते नहीं, आप जिस गांव से हैं उसको भी नहीं जानते। आप मान लीजिएगा कि आप 3 स्टूडेंट हैं, जिस गांव में हैं आपने उस स्टडी की, बालक की, और दूसरे गांव में किया, तीसरे गांव में, या जिस शहर में है तो उस शहर में किया, दूसरे शहर, तीसरे शहर। इसीलिए अलग अलग स्टडी का जो आपने किया है, आपकी भी क्वालिटेटिव रिसर्च है, उनकी भी क्वालिटेटिव स्टडी है, उनकी भी क्वालिटेटिव स्टडी, किसी में कोई कमियां नहीं। उन्होंने जो कह दिया उनका इंटरप्रिटेशन आपने कह दिया, अपना इंटरप्रिटेशन है, इसीलिए रिसर्च सब्जेक्टिव होता है, बायस्ड होता है, और आपका भी अच्छा है, उनका भी अच्छा है, और इसीलिए इस रिसर्च को हम जनरलाइज नहीं करते। ये नहीं कर सकते कि हमने यहाँ पर ये देखा तो दूसरे जगह भी हो सकता है, आपकी स्थिति आपके परिप्रेक्ष्य में वो सही है, उन्होंने जहां पर किया उसके लिए वो परिप्रेक्ष्य सही है। इसलिए हर एक, जैसे साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो व्यक्ति में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो ये आप स्टडी में भी ये डिफरेंसेस मिल सकते हैं, और किसी के एक को हम स्टैंडर्डाइज नहीं। आपने जो किया तो मेरे ख्याल से आपका ही अच्छा है, उनका भी अच्छा है, उनका भी अच्छा है। क्लियर? ओके। यस सर, मैं गलती से इसको, इसलिए ये कभी न करें कि हमने किया ये पाया और दूसरा किया उनका ये सही है। Clear? नहीं सर, मैं गलती से उसको जनरलाइज फॉर्म में ले रहा था, नहीं समझ गया सर, थैंक यू सर। मैं समझ जाता हूँ जब आप क्वेश्चन करते हैं, मुझे समझ में आ जाती है कि ये कहाँ से इसका कारण है, काज एंड इफेक्ट की बात करते, और बड़ी अच्छी बात होती है ना, जितने क्वेश्चन करेंगे आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और शिक्षक का यही काम होता है। आप भी जब विद्यालय में जाएं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने प्रश्न पूछने करें और डाउट्स को क्लियर करें। यदि मान लीजिए कि डाउट्स क्लियर हुआ तो आपका माने टीचिंग सार्थक हो गई, आपका जीवन है यहाँ तक सफल हो गया कि आपने जो काम किया आपका सेटिस्फेक्शन हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके। एक प्रियंका कुमारी जी हैं, आप अभी अपना हाथ रेज किया हुआ। प्रियंका जी आप अपना क्वेश्चन पूछें। प्रियंका। ये सर हम जानना चाहते, जो स्पेशल चाइल्ड होता है उसको कैसे हम बता सकते हैं कि इस बच्चा को हम समझना चाहते हैं। मतलब क्या समझना चाहते हैं बेटा, किसके साथ चाइल्ड कौन है? ठीक है, मैं बता रहा हूँ।
एक तो बेटा जो ये स्टडी है, केस स्टडी जो है किसी न किसी रूप में स्पेशल होनी चाहिए, विशेष विशेष, चाहे बालक हो, चाहे विशेष विद्यालय हो, चाहे विशेष व्यक्ति हो, और या विशेष जो भी जाति हो, ये तो विशेषता लिए हुए, यूनिकनेस या स्पेशल। अब बालक को आप कैसे आइडेंटिफाएंगे? जैसे अभी कुछ बीच में हमने चर्चा किया था कि आप बच्चे को पढ़ा रही, पढ़ने में गलतियां कर रहा है, तो आप उसमें जो डिसलेक्सिया के हैं कि पठन संबंधी विकार के कारण जो हैं, आप उसके अनुसार अध्ययन करेंगे और बच्चे में देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये गलतियां कर रहा है, और उन गलतियों को आप आइडेंटिफाई करके उनको दूर करते जाए, ये एक स्पेशलिटी हो गई। दूसरा, आपने देखा कि मंद बुद्धि बालक है, मेंटली रिटार्ड है, तो जो IQ का टेस्ट के लिए हमने बताया कि IQ का देखेंगे कि इसका अगर IQ 80-85 से बिलो आ रहा है तो हम इसको मान लेंगे कि मंद बुद्धि बालक है, तो एक आपका काम हो गया। फिर मंद बुद्धि बालक के लिए जो जो चीजें इन बिंदुओं पर हैं उसके लिए हम अध्ययन करेंगे। फिर समझ लीजिए कि पिछड़ा बालक है, पिछड़े बालक के अंतर्गत मंद बुद्धि भी हो सकता है और टैलेंटेड चाइल्ड भी होता है, गिफ्टेड चाइल्ड भी हो सकता है, किसी भी कारण से, बीमारी से, कुछ परिस्थिति बस, और जो बहुत हाई IQ का बच्चा है और वह नहीं यहाँ पर कर पा रहा है, अपना पिछड़ गया, तो उस पिछड़े बालक के कारण के अध्ययन के लिए जब हम करेंगे कि ये बालक तो अच्छा है, इसका IQ अच्छा है, लेकिन ये परिस्थितियां हैं कि इसका सामाजिक वातावरण बहुत अच्छा नहीं, घर का वातावरण, क्रोध माता पिता है, इसको सब संसाधन नहीं मिल पाते, इसकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है, ये सब चीजें आएगी। और वही अगर मंद बुद्धि बालक के लिए होगा, पिछड़ापन है, तो पिछड़ेपन के कारण, तो जिस प्रकार का बालक होगा उसके लिए हम पहले से ही, मैंने समस्या का जो हमने अध्ययन करना होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में ही हमें डिसाइड कर लेते हैं कि किसका अध्ययन करना है और उसमें किस प्रकार की स्पेशलिटी है, विशेषता है, विशिष्टता, विशेषता ना कह करके हमको यहाँ पर विशिष्टता कहेंगे, तो कौन किसी प्रकार की विशिष्टता है, और वो विशेष बालक अलग अलग हो गए, जिसमें वो गिफ्टेड चाइल्ड भी है, पिछड़ापन भी है, मेंटली रिटार्डेड है, हेयरिंग इम्पायरमेंट है, जो विजुअल इम्पायरमेंट है, ये अलग अलग जो स्पेशल चाइल्ड के, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड के अंदर, तो जिस विशिष्टता का आप अध्ययन करना चाहती हैं उस अध्ययन के बारे में आपको जानकारी हो और उसके अनुसार आपको जानकारी को केस स्टडी में तैयार करना है। क्लियर हुआ विशिष्टता? हेलो जी जी जी, थैंक यू वेरी मच सर। माफी चाहूंगा सर कि मैं अब आपकी अनुमति हो तो एक दो क्वेश्चन और ले लूं। अरे जितने क्वेश्चन में बैठा हूँ आज आपके लिए पूरा समय है, हमारे स्टूडेंट वो सब विद्वान साथी हैं और जो जहाँ पर बैठे हैं और उनके डाउट्स जी सौरभ जी मैं करूंगा कि जी सौरभ सर पूछिए जी। झा सर एक विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं सर, सर एक विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि ये नल हाइपोथीसिस क्यों बनाई जाती है सर, नल हाइपोथीसिस की जरूरत क्यों पड़ती है? जी जी, नल हाइपोथीसिस मतलब नल का हिंदी जो शब्द है शून्य है, शून्य का मतलब है कि हम किसी भी डायरेक्शन में नहीं हैं, हम जैसे मान लीजिए कि कहीं कहीं पर ये होता है कि इनको सभापति बना दिया गया, अब सभापति दोनों के बीच में निर्णय देना है, लेकिन वो न्यूट्रल हैं, जो साक्ष्य आएंगे जिसके पक्ष उसी को निर्णय देंगे, इतना क्लियर हुआ? तो इसलिए जो हमारी हाइपोथेसिस नल होती है कि हम ऐसा एज ए रिसर्चर हम ये कल्पना करते हैं कि हम यहाँ पर न्यूट्रल हैं, उसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में रिपोर्ट आ जा सकती है और निगेटिव डायरेक्शन में, ये एक प्रकार का हम अनुमान लगाकर करते हैं, लेकिन ये जो नल हाइपोथेसिस है यो केवल और केवल एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस के, डिस्क्रिप्टिव नेचर के रिसर्च में हम हाइपोथेसिस, जैसे पहले भी चर्चा किया कि केस स्टडी में भी आया है, करते हैं, किताबों में आया है, इसलिए इन वहां पर चर्चा कर लिया, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम नल हाइपोथेसिस का रिजल्ट जो आएगा हम वही के रख देंगे, और इस प्रकार से सोचें कि जैसे कबीर दास ने कहा है कि जस की तस धर दीन ही चदरिया, हमने कुछ नहीं किया, हम न्यूट्रल हैं, जैसा पाया और वैसे हमने रख दिया, तो नल का अभिप्राय। क्लियर, धन्यवाद सर। झा सर जी, सर एक एक स्टूडेंट है हमारी, वो पूछती हैं कि नहीं स्टूडेंट नहीं है हमारा, प्रतिभागी है, संजीव कुमार तिवारी जी हैं सर। छात्रों का विद्यालय से भाग जाना, इस समस्या को हम एक्शन रिसर्च के
द्वारा समाधान करें या फिर केस स्टडी के द्वारा? दोनों 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 कर सकते हैं भैया, बहुत अच्छा है। यही तो हम समझ रहे हैं कि जब हम कक्षा से भाग जाने के कारण को प्रयास करेंगे, एज अ रिसर्चर हम ही टीचर हैं, और जा करके कारण का पता लगाए, उस कारण हमारे बस का है दूर कर दिया और बच्चा भागना बंद कर दिया, दैट इज एक्शन रिसर्च। और हम जा करके इसको अध्ययन किया, अन्य बहुत से कारण हैं जो हमारे बस का नहीं है, तो हम रिकमेंड करेंगे जो इसके स्टेक होल्डर हैं और सजेशन देंगे कि इनको ये दूर किया जाए, तो ये बालक ये नहीं करेगा। तो इसलिए एक्शन रिसर्च से भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ तिवारी साहब का डाउट्स? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बहुत 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 सी चीजें आप देखेंगे कि एक्शन रिसर्च में वही चीज है और यहाँ भी आ रहा है, इसलिए डाउट्स आ रहे हैं। एक है विनोद अवस्थी जी, आपको अनम्यूट हम कर रहे हैं। विनोद अवस्थी जी आप अपना क्वेश्चन रखें। विनोद अवस्थी जी, विनोद जी आप अपना क्वेश्चन रखें। विनोद जी आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? यस सर। हाँ आप अपना क्वेश्चन रखें विनोद जी। जी अवस्थी जी, बेटा ये अपने विषय का नहीं है, एक्चुअली ये आपके रिसर्च का भी है, लेकिन मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, जिनकी थ्योरी हमने पढ़ा है और जितने भी रिसर्चर किए हैं और उन सब ने एक पाया है कि ये अमुक चीज ऐसी होती है, और उस रिसर्च को हम नए तरीके से नए ज्ञान प्राप्त के लिए इंटरप्रेट करने जाते हैं, तो उसको हम अल्टरनेटिव, उसमें हम डिक्लेरेशन का डिक्लेरेटिव फॉर्म कि कर दिया कि ये चीज ऐसा ही होगा। और नल हाइपोथेसिस में हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हमको ये मालूम नहीं है उस वस्तु के प्रति कि ऐसा होगा ही होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए नल हाइपोथेसिस को हम नल फॉर्म में लेके देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सच एंड सच, हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। और जो अल्टरनेटिव या डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं, जिसके बारे में हमने विभिन्न प्रकार के शोध पत्रिकाएं पढ़ा, लिटरेचर पढ़ा, थ्योरीज उसके संबंध में पढ़ी और ये देखा कि जो उच्च क्रिएटिव बुद्धि लब्धि का बालक है वो क्रिएटिव भी है, तो हम यहाँ पर अल्टरनेटिव कर देंगे कि माने उच्च प्रतिभा संपन्न जो बालक है उच्च सृजनशील भी है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि सृजनशील उच्च बुद्धि लब्धि वाला भी हो। तो इसलिए ये जो आप अभी चर्चा कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और दूसरी जो नल हाइपोथेसिस है, तो ये शून्य परिकल्पना हिंदी का आप करें कि इसमें हम अपने आप में न्यूट्रल हैं, और जब हमारा रिजल्ट आ सकता है तो फेवर में भी आए ना आए मुझे उस पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो हम पहले से ही कहीं ना कहीं पाए हैं किसमें है, उसको डिक्लेरेटिव भी कहा गया। जी जी सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सो मच। अब हम इस कार्यक्रम का अंतिम सवाल सर, एक और सवाल हम लेना चाह रहे हैं। ये है आनंद प्रियंका जी। आनंद प्रियंका जी आप अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिए। आनंद प्रियंका जी नहीं है। रश्मि आप अपना माइक अनम्यूट करें। रश्मि हेलो सर। हाँ जी पूछिए अपना सवाल। पूछिए। हेलो जी पूछिए। नमस्कार जी सर। एक्चुअली ये पीएचडी का जो कोर्स वर्क होता है हाँ? तो वो वर्क के बाद एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है और एक डिसर्टेशन। हाँ डिसर्टेशन नहीं, वो प्रोजेक्ट ही लेते हैं रिव्यू का। हाँ सर, तो वो डिसर्टेशन क्या होता है, उसको हम अलग कर सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट में ही सबमिट करते हैं? बेटा बहुत अच्छा पूछा, चले ये डाउट्स आपका पर्सनल हो गया। ये सबसे बड़ी बात होती है कि वहाँ से जिस भी कोर्स के लिए आप कर, जैसे बीएड के स्टूडेंट्स के लिए एक केस स्टडी करना अनिवार्य है,
क्लियर, केस स्टडी जिस किसी भी हो कॉलेज से मिल जाए। इसी प्रकार से आपके लिए जब पीएचडी का कोर्स वर्क करने जाते हैं तो एक प्रोजेक्ट के रूप में आप रिव्यू करना होता है, या डिजर्टेशन का रिव्यू कर दीजिए, या किसी थीसिस का रिव्यू कर दीजिए, या प्रीवियस रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहीं से मिली उसका रिव्यू कर दीजिए। इसका एक उद्देश्य होता है बेटा कि ये पता लगाना कि हम जो जो भी स्टेप इसमें से दिए हैं स्टैंडर्डाइज्ड स्टेप, उस स्टेप का शोधकर्ता ने पालन किया है कि नहीं किया, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार रिजल्ट आए कि नहीं आए हैं, और जो हाइपोथेसिस बनाया है इसके टॉपिक से मेल खा रहे हैं कि नहीं है, जो इसकी एनालिसिस किया है यहाँ पर उससे मेल खा रहे हैं कि नहीं, ये सब जानने के लिए एक पीएचडी इसका मतलब कोर्स वर्क करने वाले स्कॉलर को अध्ययन के लिए देते हैं कि जिससे कि उसमें हर एक चीज का कंसेप्चुअल डेवलपमेंट कंसेप्ट क्लियर हो जाए जब वो रिसर्च करने जाए तो डाउट्स ना रहे। तो इसलिए यहाँ पर डिजर्टेशन भी ना कहेंगे, इसको हम रिपोर्ट तो कह सकते हैं प्रतिवेदन के रूप में, क्योंकि डिजर्टेशन जो एमएड एमफिल में जमा करते हैं वो 180 पेज का, और जो थीसिस जमा करते हैं वो हो गया आप अब कोर्स वर्क के बाद सबमिट करेंगी, तो यहाँ पर इसको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिस पर भी जो यूनिवर्सिटी की हो कहीं पर रिव्यू करवा के लेती है, कहीं कोई काम कर दिया और आप जा करके जाए लाइब्रेरी में जाके कंसल्ट करके दें, तो उनके कोर्स वर्क में जो शामिल है उनके सिलेबस में उसी काम को करने के लिए इसको एक समस्या समझने के असाइनमेंट है। एक आपको उस असाइनमेंट में जैसे आप अब कॉलेजों में है स्कूल लेवल तक भी आ गया कि बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दे दिया जाता है कि वो जा करके फील्ड में अपना काम करें, फील्ड स्टडी करें और फिर उसकी रिपोर्ट दें, तो इस प्रकार का एक रिपोर्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट है देनी होती है। उसमें डिजर्टेशन अब आदि आप कह सकती हैं तो इसमें भी कोई बात नहीं है, उसके अनुसार बना करके दे एक डिजर्टेशन में, लेकिन डिजर्टेशन जो है एक लघु शोध है जिसमें हर एस्पेक्ट्स होते हैं, और जो रिपोर्ट है जो आप सबमिट करें उसमें कोई एक एस्पेक्ट का मतलब एक ही थीसिस के कुछ बिंदुओं को आप लेकर के बता रहे जी। बहुत धन्यवाद सर। अब हम यहाँ क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो हमारा यहीं पे विराम लेता है। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप सभी प्रतिभागीगण जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आज अंतिम दिवस पे आ चुका है और अंतिम पड़ाव पे आ चुका है, तो हम आदरणीय मोहित कुमार तिवारी सर से अनुरोध करेंगे कि आप संपूर्ण पांचों दिन का 24, 25, 26, 27, 28 अगस्त ये पांचों दिन का जो हमारा कार्यक्रम चला है लेक्चर सीरीज उसकी एक संक्षिप्त रिपोर्टिंग आप कर दें आदरणीय मोहित कुमार तिवारी जी। थैंक यू झा सर। एक बार पुनः मैं उपस्थित लोगों का सम्मान और एहतराम करते हुए कहना चाहूंगा कि आए थे हंसते खेलते ग्रिजली कॉलेज के व्याख्यान माला में जब समाप्त हुई तो संजीदा हो गए। इसी के साथ बताना चाहेंगे कि ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन झुमरी तिलैया कोडरमा द्वारा शिक्षा के विभिन्न आयामों पर 5 दिवसीय ऑनलाइन राष्ट्रीय स्तर की व्याख्यान माला का आयोजन 24 अगस्त से 28 अगस्त तक किया गया। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा सर की गौरवमय उपस्थिति में पहले दिन का विषय था एक्शन रिसर्च एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। इस विषय पर बोलने के लिए डॉक्टर विजय कुमार शुक्ला फॉर्मर लीडर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन भीमा मध्य प्रदेश ने बताया कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा ही नहीं अपितु जीवन के प्रत्येक समस्या के समाधान में उपयोगी है। डॉक्टर शुक्ला ने क्रियात्मक अनुसंधान के समस्त सोपानों की विधिवत व्याख्या सजीवता के साथ करके श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया था और विद्यालय और कक्षा तक से हुई दिन प्रतिदिन की समस्याओं के लिए उपस्थित लोगों को एक्शन रिसर्च के माध्यम से समाधान हेतु तैयार भी कर दिया था। इसी तरह से बताते चले कि प्रत्येक दिन प्रतिभागियों की जो भी आशंकाएं थी उनका भी समाधान हमारे विद्वान वक्तागण द्वारा किया जाता रहा। दूसरे दिन 25 अगस्त का विषय था राइटिंग रिफ्लेक्टिव जर्नल। इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर कौशल किशोर डीन एवं विभाग अध्यक्ष स्कूल ऑफ एजुकेशन दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया द्वारा
चिंतनशील पत्रिकाओं का लेखन विषय को विस्तार पूर्वक गहराई के साथ बड़ी ही बेबाकी से प्रतिभागियों के मध्य अपने विचारों को साझा किया। डॉक्टर कौशल किशोर ने अपने वक्तव्य में विद्यार्थियों के साथ शिक्षक को भी प्रतिदिन सीखने के लिए कहा। पढ़ने की जगह सिखाने की प्रक्रिया को अपनाने पर बल दिया। बताते चलें कि हमारे उस दिन के वक्ता डॉक्टर कौशल किशोर बहुत ही अनुशासन प्रिय थे और उन्होंने प्रतिभागियों के प्रश्नों का समाधान करते हुए और पाठ योजना तैयार करने के दौरान या उनके ऑब्जर्वेशन के दौरान हमारे टीचर एजुकेटर्स के द्वारा की जा रही व्यवहारिक गलतियों पर भी प्रकाश डाला गया और समुचित दिशा निर्देशन प्रदान किया गया। कार्यक्रम के तीसरे दिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और एक तरह से नया और प्रासंगिक विषय था, इसका शीर्षक था रिसर्च पैराडाइम एंड सोशल रिलेशंस इन हायर एजुकेशन। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर खगेन कुमार, पूर्व डीन विभागाध्यक्ष प्राचार्य पटना ट्रेनिंग कॉलेज पटना, ने पैराडाइम अनुसंधान को अन्य अनुसंधानों से अलग और एक नवीन प्रासंगिक विषय बताया। इसमें अनुसंधानकर्ता को किसी भी तरह के पक्षपात से बचना चाहिए। हालांकि रिसर्च में रिसर्चर को किसी भी तरह का कार्य करते समय कोई भी पक्षपात का काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा का अनुसंधान समाज के अंतर्द्वंद्वात्मक विषय को लक्ष्य में रखकर किया जाता है। ज्ञान की खोज के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ज्ञान मीमांसा और तत्व ज्ञान की चर्चा की जाती है, जिसके द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की प्रक्रिया संपादित होती है। ज्ञान की प्रक्रियाओं का मूल आधार मानव की स्वतंत्रता है। पैराडाइम अनुसंधान के प्रकारों पर चर्चा करते हुए उन्होंने निश्चयात्मक एवं व्याख्यात्मक अनुसंधान बताया। उन्होंने आगे कहा कि सामाजिक सोच की रणनीति बनाते समय राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से उदासीन नहीं होना चाहिए, उन पर भी हमें सम्यक दृष्टि रखनी चाहिए। इसी प्रकार तीसरे दिन का प्रतिवेदन समाप्त करने और चतुर्थ दिवस का प्रतिवेदन पढ़ने से पूर्व कहना चाहेंगे कि खुली किताब के सफ़े उलटते रहते हैं, हवा चले न चले दिन पलटते रहते हैं। चौथे दिवस पर स्किल्स ऑफ लीडरशिप जैसे विषय पर बोलने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ हरियाणा के शिक्षा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश उपस्थित थे और उनकी एक लाइन ने बहुत प्रभावित किया कि किसी भी व्यक्ति की भाषा उसकी परिभाषा होती है और लीडर का कोई धर्म नहीं होता, बिना टीम के कोई लीडर नहीं होता। डॉक्टर दिनेश ने सराहना अंदाज में भी अपने विचारों को साझा किया। जैसे उन्होंने कहा कि इस महफिल में जिसका कद बढ़ा है वह भी किसी और के कंधे पर खड़ा है। इसी प्रकार छोटी छोटी नेतृत्व की कहानियों के द्वारा भी प्रतिभागियों को अभिप्रेरित और अभिमंत्रित किया। डॉक्टर दिनेश ने विस्तार पूर्वक नेतृत्व के कौशलों पर चर्चा करते हुए बताया कि लीडर को पक्षपात रहित सहयोग, सामंजस्य, समर्पण, सबका साथ सबका विकास में विश्वास करने वाला होना चाहिए। एक बात उनकी मैं विशेष रूप से यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि आज के समाज में महाबना पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे लीडर की आवश्यकता है। उन्होंने जिस तरीके से एक ऐसे संस्थान की नींव रखी जो आज भी ज्वलंत उदाहरण है और उत्कृष्टता के लिए भी जाना जाता है, तो हमारे समाज में पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जैसे नेतृत्व की आवश्यकता है। और वर्तमान को जोड़ते हुए उन्होंने इस COVID-19 महामारी के दौरान भी यह बताया कि किसी भी लीडर के कार्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर जो प्रिंसिपल है या कहीं कोई भी संस्था अध्यक्ष है तो उसका उसकी भूमिका बढ़ ही गई है, कम नहीं हुई है। इस प्रकार मैं चतुर्थ दिवस की प्रतिवेदन को ही समाप्त करता हूं और अंतिम दिवस जो आज पांचवा दिवस है, जो अभी अभी आप सभी के जेहन में ताजा तरीन भी है, जिसका विषय था प्रिपरेशन ऑफ ए केस स्टडी रिपोर्ट और जिस पर
अपने विचार रखा डॉक्टर रमाशंकर पांडे जी ने। उन्होंने बताया कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न अनुसंधान है। अनुसंधान के लिए मुख्यतः दो प्रकार की अध्ययन विधियां प्रयोग में लाई जाती है, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक। मैं एक इस पंक्ति को विशेष रूप से उद्धृत करना चाहूंगा कि केस स्टडी का बुनियादी आधार विद्यार्थी की जिज्ञासा प्रवृत्ति को माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है शिक्षा पद्धति में कि विद्यार्थियों की जिज्ञासा ही सब कुछ होती है। अगर विद्यार्थी जिज्ञासु नहीं है तो वह शिक्षक जो कुछ भी सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, कितना भी प्रयास कर ले, बिना जिज्ञासा के संभव नहीं है। हमारे विद्वान वक्ता ने रामचरितमानस से उदाहरण देते हुए बताया कि हनुमान जी द्वारा लंका जाकर सीता की खोज करना केस स्टडी का उदाहरण है। महाभारत से उदाहरण देते हुए बताया कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश केस स्टडी ही है। शिक्षा में वैयक्तिक अध्ययन शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसी इकाई का संपूर्ण अध्ययन करना मुख्य कार्य है। जिस प्रकार से केस स्टडी की जाती है उसी प्रकार से गहनता और गंभीरता के साथ आज के विषय को प्रोफार्मा सहित प्रतिभागियों के मध्य अपने विचारों को बहुत ही सहजता और सरलता से रखा, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। क्योंकि मैंने देखा कि उन्होंने केस स्टडी के पारिवारिक पृष्ठभूमि और केस स्टडी के दौरान भी एक अनुसंधानकर्ता को जिस तरह का अवलोकन करना चाहिए, सभी बिंदुओं पर, बारीक बिंदुओं पर, छोटे छोटे बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला और बहुत ही गहनता के साथ, बहुत ही गहराई के साथ इस विषय को, और सबसे ज्यादा सरलता और सहजता के साथ शब्दों का जो चयन था वह बहुत ही सरल था, जो निश्चित तौर पर हम सभी को प्रभावित किया। जो टीचर एजुकेटर्स हैं वो निश्चित तौर पर इस विषय से अनभिज्ञ नहीं थे, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट थे और इतने अनुभवी व्यक्ति से जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं हम लोगों को भी यह सीख मिलती है कि हम लोग भी सरल रहें, सहज रहें। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे बिखरे थे शिक्षा के विभिन्न आयाम, ऐसे बिखरे थे शिक्षा के विभिन्न आयाम, जैसे आज मोतियों वाला हार टूट गया, तुमने मुझे पिरो के रखा था। ब्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सभी प्रतिभागियों की तरफ से ये लाइन है कि तुमने मुझे पिरो के रखा था। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू सीएन झा सर। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित सर, आपने अत्यंत सरल शब्दों में और अत्यंत प्रभावी शब्दों में संपूर्ण रूप से जो इस राष्ट्रीय स्तर की व्याख्यान माला कार्यक्रम के दौरान जो देखी गई, पाई गई, आपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने मुख्य वक्ता को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करते हैं हमारे कॉलेज के निदेशक श्री मनीष कपसीमे सर, आए और हमारे मुख्य वक्ता को ई मेमेंटो देकर सम्मानित करें। आदरणीय मनीष सर, डॉक्टर आर एस खांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, लेकिन शिक्षक कभी रिटायर नहीं होते, इसको इन्होंने आज चरितार्थ किया है और लोगों की वाणी सही साबित हो रही है। सर का अनुभव से आज हमारे तो इस वेबिनार के माध्यम से हमें लगता है कि लगभग सारे पूरे देश से, हर स्टेट से कोई न कोई जुड़े हुए हैं और लगभग पूरे देशवासियों को इससे फायदा मिलेगा, हमें ऐसा लगता है। और उनकी ओर से सर को एक ई मेमेंटो आप सब स्वीकार करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका हम लोगों से जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश सर। आइए हम लोग कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने अनुज प्रोफेसर के सर को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। आदरणीय के सर, कृष्ण कुमार सिंह। नमस्कार सर, सर ऑडिबल? या नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक ब्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन झुंडी तिलैया,
कोडरमा झारखंड। इस आभासी व्याख्यान माला में उपस्थित सभी महानुभावों का एक बार पुनः बिजली परिवार की तरफ से स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आपको पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी है, मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए उपस्थित हुआ हूं। अतः उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बारी बारी से सभी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जो लोग आज जुड़े हुए थे। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर बंशीधर उखियार सर, रजिस्ट्रार विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग का भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा, जिनकी उपस्थिति ने इस व्याख्यान माला की गरिमा को बढ़ा दिया। ऐसे हमारे अभिभावक श्रीमान बंशीधर उखियार सर को कोटि से धन्यवाद, जिन्होंने आज के अपने बिजी शेड्यूल में समय निकालकर हमसे जुड़े, इसके लिए सर आपको कोटि से धन्यवाद। प्रश्नों पर प्रश्न, प्रश्नों की बौछार। प्रश्नों पर प्रश्न, प्रश्नों की बौछार। आपने ऐसे उत्तर दिया जैसे मित्र समान। जी हाँ, भारत देश के मध्य में बसा मध्य प्रदेश, और उसी मध्य प्रदेश से हमारे बीच हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर रमाशंकर पांडे सर का दिल से धन्यवाद। आपने बड़े ही आराम से केस स्टडी को समझाया, ऐसा लगा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, इतनी सहजता से समझाने के लिए आपको धन्यवाद। इसके लिए सर मैं दो लाइनें कहना चाहता हूँ। सहज है बोली, सहज है भाषा, सहज है बोली, सहज है भाषा, मृदुभाषी भी आप हैं। ऐसे मृदुभाषी रमाशंकर सर को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। इसके उपरांत हमारे डायरेक्टर अविनाश सर एवं मनीष कपसिमे सर का भी धन्यवाद, जिनके दिशा निर्देशन में हम जो ई व्याख्यान माला की कल्पना कर सके थे और इस ई व्याख्यान माला को हम पूर्ण कर सके, जिसका परिणाम आज हमें दिखाई दे रहा है, और संपूर्ण कार्य करने में सर के द्वारा जो हमें सहयोग प्राप्त हुआ, इसके लिए सर का कोटि से धन्यवाद। इस व्याख्यान माला की डायरेक्टर सह प्राचार्य ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन झुमरी तिलिया कोडरमा झारखंड का भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, जिनकी देखरेख में इस व्याख्यान माला का जिसकी देखरेख में इस व्याख्यान माला को हम लोग पूर्ण कर सके। आपकी निर्देशन क्षमता को कोटि से धन्यवाद। इस व्याख्यान माला के संयोजक, कोऑर्डिनेटर एवं कन्वेयर श्रीमान प्रोफेसर सी एन झा सर, मोहित सर, सौरभ शर्मा सर का भी धन्यवाद, जिन्होंने इस व्याख्यान माला को सकुशल संपन्न कराने में अपनी नींद और चैन त्याग दिया था। ये व्याख्यान माला सकुशल संपन्न हो, इसके लिए इन्होंने एड़ी चोटी का दम लगा दिया था। इनके लिए सिर्फ इतना ही कहना है, आप लोगों की इतनी ही पहचान है, आप तीनों लोगों की इतनी ही पहचान है, जहां खड़े हो काम पूर्ण हो, ऐसी इनकी शान है, ऐसी इनकी शान है। इस व्याख्यान माला के तकनीकी सहायक मिस्टर नीरज जी, रोहित जी एवं फिरदौस आलम जी का भी धन्यवाद, जिनकी कड़ी मेहनत का फल है कि हम सभी एकत्रित हो सके। ऐसे हमारे नीरज जी की टीम को कोटि से धन्यवाद। नीरज जी की टीम के लिए कहना चाहता हूँ, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल का आपने महत्व बता दिया, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल का आपने महत्व बता दिया। कैसे होता है कंप्यूटर पर काम, कैसे होता है कंप्यूटर पे काम, ये सबको दिखला दिया, ये सबको दिखला दिया। क्योंकि हम लोग जैसा कि जानते भी हैं कि यदि तकनीकी सहायता हमें प्राप्त नहीं होती तो बिना तकनीकी के हम सभी एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, और इन्होंने जोड़ा हम लोगों को, 5 दिनों तक एक साथ रखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इसके उपरांत अगर हम बात करें तो हमारी जो ऑर्गेनाइज टीम है, ऑर्गेनाइज टीम के सभी सदस्यों का भी धन्यवाद, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस व्याख्यान माला को पूर्ण करने में सहयोग दिया, इसके लिए ऑर्गेनाइज टीम के सभी सदस्यों का धन्यवाद। और इसके बाद मैं अंत में उनका धन्यवाद ज्ञापन करने जा रहा हूं, जिनके लिए ये महफिल बनी, ये महफिल सजी,
भारत के विभिन्न राज्यों से जुड़े हमारे प्रतिभागियों का भी धन्यवाद जिन्होंने इस व्याख्यान माला में जितना योगदान दिया उसकी कल्पना करना भी संभव नहीं था। अंत में इनके लिए सिर्फ इतना ही कहना है, प्रतिभागियों के लिए, क्रियात्मक अनुसंधान केस स्टडी हम पढ़ते रहेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान केस स्टडी हम पढ़ते रहेंगे, जिंदगी रही तो किसी न किसी मोड़ पर हम लोग मिलते रहेंगे, किसी न किसी मोड़ पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का। इसके साथ साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिन लोगों का सहयोग रहा उनको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ओवर टू झा सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद केके सर, आपने आज सुबह में ही जो है केके सर ने कहा था कि सर आज हमारे यहाँ बिजली की समस्या है, हम नहीं जुड़ पाएंगे शायद, लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर आप कोशिश करें क्योंकि आपका धन्यवाद ज्ञापन है, और उन्होंने एग्री किया कि हाँ बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा। और हमको लगता है कि अपने घर से, जैसा कि उन्होंने बताया कि 10-11 किलोमीटर दूर जा करके उन्होंने कहीं एक जगह सुनिश्चित किया है, वहीं बैठे हुए हैं और वहां से कनेक्ट हुए हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मेरे तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने इतना मेहनत किया और इस कार्यक्रम में अपनी धन्यवाद ज्ञापन शब्दों को रखा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज इस 5 दिवसीय राष्ट्रीय व्याख्यान माला का जो आयोजन है वो अंतिम पड़ाव पर आ चुका है, और जैसा कि आप जानते हैं, और मैं एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि इस पूरे व्याख्यान माला कार्यक्रम के दौरान ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तरफ से या उद्घोषक के तरफ से या किसी भी मेंबर के तरफ से यदि किसी भी प्रतिभागी को किसी शब्दों से या किसी भी प्रकार की किसी चीजों से ठेस पहुंची हो तो हम विनम्र क्षमा प्रार्थी हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमें ये मैसेज मिल रहे हैं मोबाइल के माध्यम से कि सर एक और लेक्चर सीरीज आप तुरंत जो है इसको करें, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और हम लोगों का जो ये पेंडेमिक जो है, हम लोगों का जब सब चौपट कर दिया है, हम लोग कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, और ऐसे माहौल में जब इस तरह का मंच हमें मिलता है, इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है, तो फिर हम लोग बहुत ही उसका लाभ ले रहे हैं। इसीलिए लगभग हमको लगता है कि 15-20 स्टूडेंट्स ने मुझे फोन भी किया है और मैसेज के थ्रू भी मुझे वो कन्वे करने की कोशिश की है कि सर एक और लेक्चर सीरीज 5 दिन का या 7 दिन का आप करवाएं सर, और बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं उन सभी को श्योर करना चाहता हूं कि देखिए हमारी ऑर्गेनाइजिंग समिति फिर इस पर एक निर्णय लेगी और जैसा जो होगा वो आपने जरूर रखा, पॉजिटिवली इस पर विचार किया जा रहा है, और जैसे ही कुछ होता है मैं आप सभी को फिर से ये कन्वे कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं, मैं वहां पर ये सारी सूचनाएं शेयर कर दिया करूंगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। रही बात सर्टिफिकेट की, सर्टिफिकेट आपको निश्चित समय पर आपको मिल जाएगी, आप लोग एकदम घबराइएगा नहीं और पैनिक मत होइएगा कि मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला। सर्टिफिकेट सबको दी जाएगी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, सारे लोगों को सर्टिफिकेट दी जाएगी। और आइए हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देने से पूर्व राष्ट्रीय गान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और इस कार्यक्रम को विराम दें। हम अपने नीरज जी से अनुरोध करेंगे कि वो राष्ट्रीय गान प्ले कर दें। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए और राष्ट्रीय व्याख्यान कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अपने पड़ाव तक पहुंचाने के लिए मैं सीएन झा आप सभी का पुनः एक बार आभार प्रकट करते हुए इस कार्यक्रम के विराम की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, सब घर में रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।